शिक्षा की जड़ भले ही कड़वी है परंतु उसके फल अवश्य मीठे होते हैं। इसी के साथ अब मैं रोशन कुमार बीए बीएड प्रथम वर्ष के छात्र को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन पर प्रकाश डालने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शुभ संध्या। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का वास्तविक नाम मौलाना अबुल कलाम मोहिद्दीन था। वह मौलाना आजाद के नाम से लोकप्रिय थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे। वह एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी और बंगाली। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक शानदार वाद विवाद करता थे, जैसा कि उनके नाम के अनुसार। अबुल कलाम ने संकेत दिया था जिसका शाब्दिक अर्थ है संवाद के भगवान। उन्होंने धर्म और जीवन के एक संकीर्ण दृष्टिकोण से अपने मानसिक मुक्ति के निशान के रूप में कलाम नाम आजाद को अपनाया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। उनके पूर्वज बाबर के दिनों में हेरात, जो कि अभी अफगानिस्तान में है, से आए थे। आजाद विद्वान मुस्लिम विद्वान या मौलानाओं के वंशज का था। उनकी माँ एक अरब थी और शेख मोहम्मद जहीर वाटरी की बेटी। उनके पिता मौलाना शेख खैरुद्दीन अफगान मूल के एक बंगाली मुस्लिम थे। सिपाही विद्रोह के दौरान खैरुद्दीन भारत छोड़कर मक्का चला गया और वहीं बस गया। वहां 1890 में अपने परिवार के साथ कलकत्ता वापस आए। जब वह 11 साल का था तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीके से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्होंने दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। आज़ाद ने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी तथा भाषाओं में महारत हासिल की। जब वह 16 साल में वह सभी शिक्षा मिल गई जो आमतौर पर 25 साल में अन्य लोगों को मिला करता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 11 वर्ष तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रायोगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान अर्थात UGC की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। संगीत नाटक अकादमी 1953 में, साहित्य अकादमी 1954, ललित कला अकादमी 1954। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्य दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। मौलाना अबुल कलाम 22 फरवरी 1958 को पंचतत्व हमें छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गया। राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हर्ट कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू विश एवरीबॉडी ए वेरी गुड आफ्टरनून। द वर्ड्स आर सेड बाय अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद। Yeah, don't worry, the same person, Abul Kalam Azad, the first education minister of India. When he first took charge of the education minister of India, he envisaged the following possibilities. Today, India is free. She can have any kind of mental mold she pleases. Will it be exclusive or will it be all inclusive? Which have been the characteristics of the Indian culture throughout the ages. In the advancement of nations, there is no greater hindrance than narrow-mindedness. It's our duty to keep ourselves free from this disease in the new era of independence. And we all know how carefully and how responsibly he'd done his job. As the education minister of India, he advocated education of women, compulsory education for children up to the age of 14, universal primary education. Primary education should be imparted in the mother tongue. Also, he gave thrust to the diversification of secondary education and vocational training. He gave emphasis on the adult literacy as well. In 1949, in the Central Assembly,
He emphasized the importance of imparting instruction in modern sciences and knowledge. He also said that no program of national education can be appropriate if it does not give full consideration to the education and advancement of one half of the society, that is women. He is credited for establishing the Pioneer Institute, including the IITs, 1951, Indian Institute of Sciences, University Grants Commission, 1953, and also the brainchild of Jamia Millia Islamia University. He is credited for establishing most of the cultural academics, including the Sangeet Natak Academy, Lalit Kala Academy, Sahitya Academy, India Council for Cultural Relations, and what not. At last, I would like to close my words, which is his own words. We must not for a moment forget it is a birthright of every individual to receive at least the basic education, without which he cannot fully discharge his duties as a citizen. Thank you. Thank you, Rishabh. Well said by him that Maulana Azad indeed contributed a lot towards the educational sphere of our country. Now, I would like to request Budhnath Behra of B.Ed. First Year to come upon the stage and express his views on this occasion. A very good afternoon to one and all present over here. Respected teachers, my dear friends and elders and juniors. So today is 11th November. So as in previous year, we are celebrating National Education Day. So this is the birthday of Maulana Abul Kalam Azad, who was the first education minister of independent India during 1947 to 1958. He was not only a great scholar, but also a great freedom fighter also. His real name was Syed Ghulam Mahiuddin Ahmad bin Khairuddin Al Hussein, but he was popularly known as Muhammad Maulana Azad. The word Maulana means our master, and Azad means free, and which was his pen name. Maulana Azad was born on 11th November 1888 in Makkah, Saudi Arab. His father, Maulana Syed Muhammad, was a scholar, and he lived in Delhi with his maternal grandfather, as his father had died at a very young age. His mother was Sheikh Alia bint Muhammad. Maulana Azad settled in Kolkata in 1890 with his family. His family was very good. He was self-taught and homeschooled. He was no formal schooling. Although he had not formal schooling, he was also a scholar of mathematics, physics, Hindi, and world history and science also. He was also knowledge of several languages like Persian, Hindi, Arabic, Bengali, and English also. Azad was very eager and determined student. Although he was not formal education and he was not mature, he also maintained a library, a reading room, and a debating society at his village. At the age of 12, he wanted to write on the life of Ghazali. And at the age of 13, he was married to a young girl named Julakh Begum. At the age of 14, he was contributing learned articles to Makhzan, a literary magazine. In that time, when he was 15, he was teaching a class of students, most of which were twice his age. And he was also a good revolutionary journalist and published Noirang-e-Alam. As the first education minister of independent India, he proposed the establishment of different higher education as well as primary education system in India also. He is also credited with the establishment of higher institutions like Indian Institute of Technology, IITs, and University Grant Commission, UGC, in India also. According to him, the wealth of the nation lies not in the country's bank, but in the primary schools. And he encouraged the development of culture and society in the nation also. He also found three national academies like Lalita Kala Academy, Sahitya Academy, and Sangeet Natak Academy. But on
22nd February 1958, the great person passed away from us. But our country could not forget his contribution, and we will remember him forever. And he was awarded with Bharat Ratna Award in 1992 for his whole contribution to India. So that's all. Thank you all. Jai Hind. Shubh Sandhya Sabhi ko. जैसा कि हमने पहले ही जान चुका है कि आज नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने पत्रकारिता की क्षेत्र में आज़ादी से पहले देश के युवाओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे भाषण का यहाँ शीर्षक है, वर्तमान परिस्थिति में हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है। हम शिक्षा ले रहे हैं वो टीचिंग है या लर्निंग, ये हमको पता नहीं है। हम बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ट्रैफिक रूल्स पढ़ाते हैं, पढ़ा तो देते हैं लेकिन उनको हम सिखा नहीं पाते हैं। अगर उनको हम सिखा देते तो हमें ट्रैफिक पुलिस लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर उनमें लर्निंग दे पाते तो इतना एक्सीडेंट नहीं होता। हम उन्हें टीचिंग करा देते हैं कि ट्रैफिक रूल्स ऐसा होता है, ये बत्ती जलेगी तो ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ये हम सिर्फ उन्हें पढ़ा देते हैं लेकिन उन्हें लर्निंग नहीं कराते हैं। इसमें अधिकतर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं, ट्वेल्थ किए हैं, एलेवेंथ क्लास में हिंदी का पहला चैप्टर है नमक का दरोगा। उस नमक के दरोगे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह घोटाला किया जाता है। उसे फिजिक्स पढ़ा के, केमिस्ट्री पढ़ा के, मैथमेटिक्स पढ़ा के हमने ये तो बता दिया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन करने से ये बनता है, दरोगा बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है। लेकिन उस नमक के दरोगे चैप्टर से हमने ये नहीं सिखाया कि एक ईमानदार दरोगा कैसा होता है। अगर उन चैप्टरों के माध्यम से हम ये सिखा पाते कि एक ईमानदार दरोगा घोटाला नहीं कर सकता है, हमने उन्हें टीचिंग करवा दिया, दरोगा भी बन गया लेकिन उन्हें लर्निंग नहीं करा पाए। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है 2+2=4, ये सभी को पता होगा। हमारी उम्र 90 साल भी हो जाएगी तो 2+2 हम 5 नहीं कहेंगे, यहां तक कि हम 3.5 पर भी सहमत नहीं होंगे, 2+2=4 ही कहेंगे। हम क्लासरूम में उसी को ओबीडियंट मानते हैं जो क्लास में शांत रहता है। ये क्या है? ये हमारी शिक्षा पद्धति, पुरानी शिक्षा पद्धति है। हमारी शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में लागू किया गया था और उस शिक्षा पद्धति को हम अभी तक ढो रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति में
90% थ्योरी है, सिर्फ 10% प्रैक्टिकल है। उन थ्योरी को पढ़ के हम अपने दैनिक जीवन में नहीं उतार पाते हैं। हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। जीरो का तो खोज कर लिया, भारत क्या किया? सिर्फ ये गाते गाना गाते रह गए कि भारत ने जीरो का खोज, आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया तो दुनिया को गिनती आई। मैंने ये कहते रह गया, लेकिन उस जीरो का उपयोग करके अमेरिका और यूरोपीय देशों ने साइबर वर्ल्ड खड़ा कर दिया और हम गाना गाते रह गए। यहाँ हमारी शिक्षा प्रणाली में डिग्री को महत्वपूर्ण समझा जाता है। डिग्री से ज्ञान को नहीं तोला जा सकता है, ये जान लीजिए। आप न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन कभी भी 30 नंबर से ज्यादा नहीं लाए थे। आज 100 में से 96, 97, 98, 99 जिनको आते हैं उनको माना जाता है बहुत तेज विद्यार्थी है। लेकिन जिसको कम आता है उसको ये नहीं कहते हैं, से ये कहते हैं बहुत खराब विद्यार्थी है, बहुत घुसखोर है। न्यूटन को कभी 30 नंबर से ज़्यादा नहीं आया था, और जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर लिया, जब वो सेब को नीचे गिरते हुए देखे तो उस पर सोचना शुरू कर दिया। आजकल के विद्यार्थी क्या सोचेंगे? उन्हें तो मोबाइल में हाय हेलो भेजने से फुर्सत नहीं है। अभी भी देख सकते हैं, बहुत की नजर अभी भी मोबाइल पर है। इसी युवा से हम आशा करते हैं कि हमारे देश के प्रगति में ये अहम भूमिका निभाएंगे। किसी भी राष्ट्र व समाज में शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण, चरित्र निर्माण, सामाजिक व आर्थिक विकास की मापदंड होती है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी मेरा चरित्र का निर्माण होगा। हम जानते हैं अगर हमारा पैसा खो जाता है, अगर धन चला जाता है तो कुछ नहीं गया, अगर हमारा स्वास्थ्य जाता है तो कुछ गया, अगर मेरा चरित्र गिर गया तो सब कुछ नाश हो गया। आप ये जानते होंगे। और वो चरित्र निर्माण किससे होता है? वो चरित्र निर्माण हमारी शिक्षा से होता है। हमारी शिक्षा पद्धति में विलोम सद पढ़े होंगे। विलोम सद में लिखा हुआ है स्त्री का विलोम पुरुष, पढ़े हैं ना? मालिक का विलोम नौकर, क्या आप सहमत हैं? क्या हम इन्हें विलोम शब्द कह सकते हैं? ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को पूर्ण करता, एक दूसरे का पूरक है। हम उनके मन में पहले से ही हीन भावना उत्पन्न कर देते हैं कि नौकर का उल्टा क्या होता है? मालिक होता है। नौकर को हमेशा लगते रहता है कि मेरा उल्टा है मालिक, वो हम पे शासन करता है। अगर उनके मन में पहले से हम ये उत्पन्न कर देते कि वो मेरा कंप्लीमेंट्री है, वो मेरा पूरक है, तो उनके मन में ये कभी हीन भावना नहीं आती। जब रिजल्ट आता है तो अखबार में हम पढ़ते हैं लड़कियों ने बाजी मारी। क्या लड़के और लड़कियां में कंपटीशन कराए थे? इस तरह की हीन भावना भरी जाती है। मैं आइंस्टीन का उदाहरण देना चाहता हूं। आइंस्टीन 9वीं क्लास में फेल थे। आप डिग्री की बात करते हैं ना, आइंस्टीन 9वीं क्लास में फेल थे, लेकिन जब उन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दिया
तो वो आज भी पूजे जाते हैं। आज के युवा क्या सोचते हैं, पढ़ लिख के पैसा कमाएंगे? धीरू भाई अंबानी सिर्फ 4 क्लास तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने 450 लाख करोड़ का संपत्ति खड़ा कर दिया। इस तरह हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ शिक्षा में सिर्फ डिग्रियां होती है, हमें उससे सीखने की आवश्यकता है। आज हमारे भारत का परिवेश, राजनीतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश बड़ी तेजी से बदल रहा है, हमें उनमें शिक्षा की पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। और इस शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने मातृभाषा पर ध्यान देना होगा। ऐसा रिसर्च में सोचा कहा गया है कि जो हम इंग्लिश में 12 साल में पढ़ते हैं, अगर वो शुरू से हमें मातृभाषा में सिखाया जाता और आज वह मातृभाषा में होता तो हम उसको 2 महीना में लर्न कर सकते थे। इंग्लिश के अपने मात्र 5000 शब्द हैं, लेकिन हमारे हिंदी के लाखों शब्द हैं। इसमें से कोई है जो सन का सिनोनिम्स बता सकते हैं? सन में सूर्य, सन का कोई भी सिनोनिम्स नहीं है। अगर वही हम हिंदी में बात करते हैं तो सूर्य का दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, इस प्रकार से 84 शब्द है। अगर हम मून की बात करते हैं तो मून का कोई सिनोनिम्स नहीं है, उनमें शब्दों की कमी है। अगर वही हम हिंदी में बात करते हैं, शशि, हिमांशु, सुधाकर, इस प्रकार 56 शब्द हैं। हम अंग्रेजी और हिंदी में फंसे हुए हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आज हिंदी और इंग्लिश की इतनी चुनौतियां बढ़ चुकी है, अगर किसी के घर में जाएंगे तो उनके पिता का नाम रहेगा रामदयाल, माता का नाम गायत्री देवी, जब बेटे का नाम पूछेंगे तो टिंकू। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंग्लिश की सबसे पुरानी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी में आप खोज कर देखेंगे तो टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का। क्या हमारे हिंदी में शब्दों की कमी पड़ गई थी? हम समझते नहीं हैं, सिर्फ करते चले जाते हैं। एक भेड़ जिधर चलती है उसके पीछे पीछे सभी चलने लगते हैं। हमें भेड़िया धसान नहीं करना है, हमें सीखने की आवश्यकता है, हमें लर्न करने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा पद्धति तभी बदल सकती है जब हम जागरूक होंगे। इसी के साथ मैं 4 पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। यहां हर लोगों के बीच दरमियान खड़ी है, मुनासिब है हर शख्स को प्यार चाहिए। बहुत ऊंची है मजहबों की दीवारें, बहुत ऊंची है मजहबों की दीवारें, इसे गिराने को शिक्षा का हथियार चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। थैंक यू किशोर। वी रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट प्रोफेसर संतोष पंडा, former chairperson NCTE, our respected principal Professor PC Agarwal,
Dean of Instruction, Professor Anoop Kumar, Dean of Research, Professor B.N. Panda, Head DEE, Professor S.K. Dash, Coordinator, Professor Ritanjali Dash to come on the stage and have their respected seat. We request the student of our institute to please present the dignitaries with bouquets. We now request our chief guest, Professor Santosh Panda, Professor P.C. Agarwal, Principal R.I. Bhubaneswar, Dr. Anoop Kumar, Dean of Instruction, Dr. Ritanjali Dash, Program Coordinator, Professor B.N. Panda, Dean of Research, and Professor S.K. Dash, Head Department of Extension Education, to kindly give the program a pious start by lighting the lamp. Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhana Sampada Shatru Buddhi Vinashaya Deepat Jyotir Namostute Deepat Jyotir Namostute Deepat Jyotir Parabrahma Deepat Jyotir Janardana Deepat Jyotir Thank you, sir. Thank you, ma'am. As we all know, education facilitates quality learning all through the life among people of any age, group, caste, religion, and region.
We, being an educational institute, give utmost importance to education. And to enlighten us about the same and to start the program, we request the program coordinator, Professor Ritanjali Dash, to kindly come upon the dais and share a few words with us. Ma'am, please. Very good afternoon to one and all present here. Esteemed chief guest and keynote speaker of the National Education Day, Professor Santosh Panda, former chairperson, National Council for Teacher Education, esteemed principal, Professor P.C. Agarwal, esteemed Dean of Instruction, Professor Anup Kumar, esteemed Dean Research, Professor B.N. Panda, Professor S.K. Das, Head Department of Extension Education, all distinguished faculty, staff, and students. It is indeed an honor and my proud privilege to welcome you all to this National Education Day celebration. National Education Day is celebrated every year in memory of Maulana Abul Kalam Azad, who was not only the first education minister of free India, but who had taken many path-breaking steps to establish the foundation of education in India. He had the firm belief that development of a nation is possible only through development of education. His effort in establishing a national education system for our country is commendable. He had introduced free primary education, and he was the creator of modern higher education institutions such as the IITs, popularly known as IITs, Indian Institutes of Technology. He is also credited with the establishment of University Grants Commission. His effort to promote education among poor and among girls was immense. Today we have congregated here to celebrate the birth anniversary of such an intellectual genius who had made all possible effort to give us the light of knowledge and wisdom, who had given us the foundation of education in India. We are fortunate today that we have with us an eminent educationist, an educational planner of our country, Professor Santosh Panda, who has made a name for himself globally while championing the cause of education worldwide. As the coordinator of this program, I extend a very warm welcome to you, sir, on behalf of our principal, on behalf of our institute, on behalf of each one of us who are present here. Along with this, I also welcome all of you, each one of you, to this National Education Day. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Our chief guest today needs no introduction, as he has made us all proud by his distinguished work in numerous capacities. I invite our respected principal, Professor P.C. Agarwal, to kindly come on the dais and enlighten us more about our guest. Sir, please. Good afternoon. Today's chief guest, respected Professor Santosh Panda, former chairman of NCTE, Dean of Instruction, Professor Anup Kumar, Dean of Research, Professor B.N. Panda, Professor S.K. Das, Head Department of Extension Education, Professor Ritanjali Das, Head Department of Education in Social Sciences and Humanity, and coordinator of this program, my learned colleagues and dear students, it is indeed a moment of great pleasure that we have among us an eminent educationist, Professor Santosh Panda. And it is an honor for me
to introduce him in the August audience, though he need no introduction, as has been told. Professor Panda is a PhD in education and a professor of distance education since 1997, and former director at the Staff Training and Research Institute of Distance Education, known as STIT, Indira Gandhi National Open University. He did BA with economics as major subject, MA and MPhil, and PhD in education, certificate in EDTV from BBC UK, and certificate in online teaching from University of Maryland, USA. After obtaining PhD, he started university teaching in 1984 at Kurukshetra University, Haryana, and till date has 35 years of teaching, research, and administrative experience at universities. In the past, he has been chairperson, National Council for Teacher Education, a statutory national regulatory body of Government of India, regulating about 19,000 teacher educator education institutions in the country. He is a senior Fulbright scholar, postdoctoral, the University of New Mexico, Albuquerque, USA. He was director, the Association of Indian Universities, AIU Delhi, representing now about 950 universities. He has been director, Center for Flexible and Distance Learning, the University of South Pacific, Fiji. He is founding director, Inter-University Consortium for ICT, popularly known as IUC, TEF, ED, IGNU Delhi. He is visiting professor at University of London, UK, Manchester Metropolitan University, UK, University of New Mexico, USA, Beijing Normal University, China, and University of Guadalajara, Mexico. He is adjunct professor at University of Maryland, USA. He is chair and member of many national committees and central universities, including member, National Board of Yoga Certification Technical Committee, Ministry of Ayush, Government of India, chaired by Sri Sri Ravi Shankar, founder of Art of Living and Great Guru of Our Times. He has taught master's and doctoral programs in education at Dual Mode University, master's and PhD in distance education at IGNU, and graduate and doctoral classes at the University of New Mexico and University of Maryland, USA. Professor Panda has presented keynotes, conference papers, pre-conference workshops, and conducted workshops in about 25 countries and convocation address at 5 universities. He keeps interest in consults in area of teacher education, distance education, and online learning, open educational resources, massive open online courses, staff development, higher education, continuous professional development, financing and costing, accreditation and quality assurance, program evaluation, and open schooling. His last keynote address was in an international conference in Mexico in December 2018. He has provided consultancy for various international organizations, for example, Asian Development Bank, British Council, Commonwealth of Learning, Ford Foundation, GTZ Germany, IDRC Canada, SADC Africa, UNDP, UNESCO, World Bank, the governments of China, Nepal, Lesotho, and Nigeria, and to the Government of India, UNDP on training of bureaucrats for distance and online training. He is founder editor of a refereed journal, Staff and Educational Development International, former chief editor of refereed Indian Journal of Open Learning, and sits on the editorial board of above dozen prestigious refereed international journals published by Rutledge, etc. He has published 48 papers in referred journals internationally, 44 book chapters, 19 books,
34 conference papers, 20 keynote and convocation addresses. His latest book includes Planning and Management in Distance Education, published by London, Rutledge in 2017, and Economics of Distance and Online Learning, published by New York, Rutledge 2008. This is what I have read out here, is very brief. He has very extensive curriculum, VTA, and everything is will not be possible to be read here. Again, I welcome him in our institute for gracing this National Education Day in memory of our first Union Education Minister. And definitely, it is a great moment for us to have among us such a big personality, not only national but international, and definitely we will benefit of your presence, sir. I once again welcome you and thank you on my behalf and on the behalf of the institute and behalf of all the staff, students from this institute. Thank you so much. Thank you, sir. Now I invite Dean of Instruction, Professor Anup Kumar, to address the gathering and say a few words about the institute. Sir, please. Namaskar. आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर संतोष पंडा जी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रकाश चंद अग्रवाल जी, प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान प्रोफेसर बी एन पंडा जी, डीन रिसर्च प्रोफेसर शरद कुमार दास जी, अध्यक्ष विस्तार शिक्षा विभाग प्रोफेसर रीतांजलि दास मैडम, अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग, और इस कार्यक्रम के समन्वयक और सभागार में बैठे हुए हमारे सहकर्मीगण और प्रिय विद्यार्थीगण। हमारा ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के विद्यार्थियों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं वह है बीए बीएड, बीएससी बीएड, द्विवर्षीय बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी और गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके अतिरिक्त हम लोगों का संस्थान अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्य में भी लगा हुआ है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ करके जिन राज्यों का हमने यहाँ पर उल्लेख किया है, सभी विद्यार्थी तो आते ही हैं, साथ साथ वहाँ के अध्यापकों के प्रशिक्षण का भी कार्य सतत रूप से चलता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के संस्थान में जो चार विभाग हैं उनका रूप इस प्रकार से है, सामाजिक और मानविकी शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग और विस्तार शिक्षा विभाग। इसके अतिरिक्त हम लोगों के यहाँ का जो पुस्तकालय है बहुत ही समृद्ध है, और हमारे संस्थान के अध्यापकों विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का संसाधन तो बनता ही है, साथ ही बाहर से भी लोग आ करके यहाँ किताबों के संदर्भ देखते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कंप्यूटर अनुप्रयोग केंद्र के तीन अनुभाग हैं जो यहाँ पर विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा के संदर्भ में बराबर कार्यरत हैं। हम लोगों का संस्थान पूरी तरह से विद्यार्थियों के लिए आवासीय है, और वर्तमान में चार छात्रावास हैं,
एक छात्रावास होमी भाभा, उसमें सभी हमारे जो है जो लड़के हैं वो सभी वहाँ पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीन और छात्रावास है, आशुतोष, रामानुजन और गोपबंधु, वहाँ पर हमारी छात्राएं जो हैं वहाँ पर रहती हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान में एक और छात्रावास निर्माणाधीन है लक्ष्मीबाई के नाम से, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है और जल्दी ही जो है वो हम लोग कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो छात्रावास और भी हमारे विद्यार्थियों को समाविष्ट कर रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के संस्थान से संबद्ध प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय है, जहां प्राथमिक कक्षाओं के पहले से जो कक्षा शुरू होती है, पूर्व प्राथमिक कक्षा, वहां से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययनरत हैं, और यह विद्यालय हमारा CBSE से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे जो अध्यापक गण हैं, सहकर्मी गण हैं, वो NCERT से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों में भी बराबर भागीदारी करते हैं। संक्षेप में इस संस्थान के बारे में एक सामान्य जानकारी थी। इसके अतिरिक्त कई तरह की जो है यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर। नाउ आई इन्वाइट आर कीनोट स्पीकर प्रोफेसर संतोष पंडा, फॉर्मर चेयरपर्सन NCTE, टू एड्रेस द गैदरिंग विद हिज इंस्पायरिंग वर्ड्स। सर प्लीज। सर गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ऑनरेबल प्रिंसिपल प्रोफेसर अग्रवाल जी, प्रोफेसर अनुम कुमार जी, डीन इंस्ट्रक्शन, प्रोफेसर भुजेंद्र पंडा जी, जीन रिसर्च, प्रोफेसर दास, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर रीता दास जी, जिनके साथ मेरा वार्तालाप चलता रहा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस लेक्चर सीरीज, ऑनरेबल फैकल्टी ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे हाथ में नहीं था, फिर भी माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। अब हमारा सरकारी संस्था जैसा है, सरकारी वायु वाहन भी ऐसे ही हैं, तो मेरे लगभग 1.5 से 2 घंटे लेट हो गए, और इस दौरान मुझे पता चला कि हमारा एक अजीज़ दोस्त, मैं जब NCTE में था तो मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरी के रूप पर काम किए, और हाल ही में मेरे विश्वविद्यालय इग्नो को रजिस्ट्रार के रूप पर ज्वाइन किए थे, डॉक्टर अनिल शुक्ला। आपको जानकर दुख होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप सही समझें, मेरे साथ 1 मिनट स्वर्गीय आत्मा के लिए थोड़ी प्रार्थना करें। वो आज ही सुबह उनके हार्ट फेल हुआ, देहांत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप जिस अनिल शुक्ला को यहाँ देखे हैं वो ये नहीं हैं, वो इस वक्त कुलपति हैं, आपने वो हिंदी में गाना सुना झुमका गिरा रे, ऐसा बस कौन सा जगह का है, बरेली, बरेली की बर्फी भी देखी होगी, बिल्कुल
बिल्कुल बरेली की हैं वो, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, MPJ रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के हैं। सो दोस्तों, आप जितने देर तक बैठोगे मैं उतने देर तक बैठूंगा, क्योंकि मुझे तो कहीं जाना नहीं है। लेकिन आप अगर चंद शब्द सुनेंगे, गौर करेंगे, ये गौर करना हमारा बंद हो गया। आजकल चिंता में सब डूबे हुए हैं और गौर करना छोड़ दिया, चिंता के ऊपर गौर करना भी छोड़ दिया कि चिंता कैसे ना करें, उसके ऊपर भी गौर करना छोड़ दिया। आज नेशनल एजुकेशन डे है, आपको पता है क्यों? भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और लोग मौलाना आज़ाद कहते थे, हिंदी समझ में आता है? मेरा हिंदी कमज़ोर है इसलिए मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं अभी मेरी मातृभाषा को अंग्रेज में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये जो त्रिभाषी युक्ति चल रही है, अभी नया शिक्षा नीति में भी ये युक्ति चल रही है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ, आप तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उनको मौलाना आज़ाद कहते थे, भारत रत्न, भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री, पहले तो एजुकेशन एंड कल्चर, फिर साइंस जोड़ गया, लगभग 11 साल और भारत की शिक्षा मंत्री रहे, प्रथम शिक्षा मंत्री। और उनको मौलाना आज़ाद इसलिए कहा जाता था, और मौलाना, मौलाना सबसे बड़ा पदवी है, और मौलाना इसलिए कि हम सबका शिक्षक थे, आज़ाद इसलिए उन्होंने जानबूझ के अपने नाम पर आज़ाद रखा, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा भाता था एक चीज़ है, फ्रीडम। फ्रीडम को हिंदी में क्या कहेंगे? आज़ादी। सो आज़ाद इसलिए उनके नाम रखा गया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे आज़ादी पर। ना उनका नाम मौलाना था, ना उनका नाम आज़ाद था, उनका नाम था, वह बड़ी मुश्किल से मैं कहीं ढूंढा हूँ, आजकल तो आप लोग गूगल करते हैं, हम लोग कर नहीं पाते हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। अब्दुल कलाम गुलाम मुहिबुद्दीन अल हुसैनी, अब बताइए, ये शख्स जो है आपकी भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, और एजुकेशन एज फ्रीडम, शिक्षा अगर आज़ादी नहीं दिलाता वो शिक्षा को नहीं मानते थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सेकुलरिस्ट, दो ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इस्लाम, इस्लामिक, हालांकि उन्होंने स्कूल कभी गए नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए, उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी सारे शिक्षा घर में ही हुई, और घर की शिक्षा के बारे में उन्होंने एक किताब भी लिखा कि घर की शिक्षा हो कैसे, द फैमिली बेस्ड लर्निंग, तजकिर उनकी एक किताब है जो हुज टॉक्स अबाउट फैमिली ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग, जिसको आपको होम स्कूलिंग कहते हैं। अमेरिका में, क्योंकि मैं फुल ब्राइट रहा तो इसलिए वाकिफ हूँ, तो अमेरिका में उसको होम स्टडी कहते हैं, पुराने ज़माने में आप होम स्कूलिंग कहते हैं। होम स्कूलिंग अमेरिका में जायज़ है, होम स्कूलिंग हमारा देश में जायज़ नहीं है। आप स्कूल टोटली पढ़ के आज की तारीख प्राइवेट नहीं दे सकते, लेकिन कुछ अपीयरेंस, प्राइवेट अपीयरेंस को इजाज़त है, लेकिन सभी को नहीं। तो इसलिए उनके चंद शब्द को आज की तारीख में देखते हैं, कहाँ ये उड़ गया लग रहा है, उनके चंद शब्द को आया, उनके चंद शब्दों को हम नहीं आ रहा है,
1 मिनट. सो उनके चंद शब्दों को हम अभी देखेंगे. आज के हालात क्या है. आई रिपीट, ही वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीवर ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म द वे इट इज प्रोफेशनली डिफाइंड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड आई कैन आर्ग्यू द केस बिकॉज आई हैव आर्ग्यूड द केस इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो देयरफॉर आई डोंट हेजिटेट टू आर्ग्यू द केस एज मच एज पॉसिबल. और आज की तारीख में मेरे जितने बंधु हैं और सब संगठन हैं, मैं तो भारतीय धरोहर में काम करता हूँ. कभी कभी दीनदयाल शोध संस्थान चला जाता हूँ, लेकिन भारतीय धरोहर में मैंने आपके सेनापति जी को कहा, मैंने कहा सर ये जो भारतीय गणित है, मैं टाइम थोड़ा सा लगा दिया. अरे मैं फिर टाइम क्यों ले रहा हूँ, मैं अपने इस कहानी पर चला जाऊँगा. ये जो भारतीय गणित है, जो भारतीय गणित यहाँ से जाके मिडल ईस्ट से यूरोप में पहुँच के आपके नाम पर मैथमेटिक्स एरिथमेटिक ज्योमेट्री होकर निकल पड़ा और आप उसको पढ़ा रहे हो, वो भारतीय गणित तो उसकी मूल आधार है. उसको हमने एस्टैब्लिश किया है. लेकिन आज तक भी मैं आपको साफ कर दूं, एनसीईआरटी भी भारतीय गणित को हमारा कबूल नहीं किया है. ये बहुत नाइंसाफ़ी है, मैं आपके सामने रखता हूँ. और दिल्ली में भी हम कहते हैं ये नाइंसाफ़ी है. और शिक्षा मंत्री मैं जिससे डील करता था वो तो चली गई मैडम. मेरे झगड़ा होता था जो होता था, मैडम तो गई. तो शायद मैडम होती लगा देती, वो जिसको दिमाग में चढ़ जाए वो लगा देती थी. और ये सब स्लो हैं, करते नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए. भारतीय गणित पर हम काम कर रहे हैं. भारतीय धरोहर से आपकी भारतीयता, ये भारतीय धरोहर की बुनियादी है, फाउंडेशन है, और जिसके तहत हम काम करते हैं. कई प्रोग्राम होता रहता है, कई चीज़ें है, लेकिन उसमें शिक्षक शिक्षा मैं आपके सामने रख रहा हूँ. चंद बातें विषय भी योर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 विच इज स्टिल अंडर डिबेट. आपने नेशनल पॉलिसी को पढ़ा है? क्यों, नेशनल पॉलिसी पुरानी पढ़ेंगे, नए नहीं पढ़ेंगे? पुराने भी पढ़ा. मौलाना आज़ाद जी ने 2 शिक्षा के कमीशन बैठाए. कौन सा? एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. दोनों राधा कृष्णन भी, सेकेंडरी एजुकेशन मुदालियर भी उन्होंने बैठाए. और वही आपकी फाउंडेशन है. और 1968 पॉलिसी जो सबसे बेहतरीन, और जिसके बेसिस पर 1986 पॉलिसी, उसके बाद तो है ही नहीं. आपकी प्लान ऑफ एक्शन प्रोग्राम राममूर्ति कमिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो आपके चलता रहा. तो लेकिन जो फाउंडेशन उसमें रखे थे उन्होंने, जितनी आपकी नेशनल संस्था हैं तभी बने थे. ICSSR कहो, UGC कहो, संगीत अकादमी कहो, कुछ भी कहो, IITs कहो, आपकी जहां मेरा उसको क्या कहते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. मेरा 1990 में मेरे को हुआ कि रीडर ज्वाइन करो. 1996 में मकान निधि में गया, नहीं गया तो अच्छा हुआ. वहाँ ये सब हमारा लेफ्ट वाले से भरे हुए हैं. हम लेफ्ट को खूब जूझते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, हमें जूझ भी लेंगे, लेकिन भरे हुए हैं. तो मैं जाता तो मैंने कहा भाई आपका या हमारा चलता है, या आपका चलता है, और क्या पता हमारा चल जाता. सो ये भी होता दिल्ली विश्वविद्यालय, इसलिए फारिक हैं कि वो आज तक लेफ्ट चलाते रहे उसको. और मेरे काउंसिल में सबसे ज़्यादा वही लोग थे, इंक्लूडिंग योर फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार. माशाल्लाह, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, मैं तो हिलने वाला नहीं हूँ. आपको वैसे ही नज़र आता हूँ, लेकिन हिलने वाला नहीं हूँ. सुप्रीम कोर्ट तो खींच लिया इनको, मैंने कहा साहब ये नहीं चलेगा. ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म आपने सब करके लाल किताब बना के सब घुमा रखे हो, देश में मचा रखे हो, ये तमाम चीज़ें, इसको कभी समझने के लिए कोशिश किया है भाई कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या चीज़? जो विदेश का चीज़ आप लेके इस देश में घोल मिला के उसको पिलाने के लिए कोशिश करते हो, ये चीज़ें थोड़ी हजम नहीं होती जल्दी. क्यों? आपकी धरोहर में ऐसा चीज़ें हैं जो इससे ज़्यादा है. हमने कहा अंग्रेजी बोलने से शिक्षा नीति नहीं बन जाती, अंग्रेजी बोलने से इंटेलेक्चुअल नहीं माना जाता. और मेरी एक दोस्त जो उसमें मो स्कूल मूवमेंट में आए, आपके चीफ मिनिस्टर की कमेटी में मैं हूँ, मो स्कूल मूवमेंट उसमें आए, ब्रिटिश काउंसिल का कोलकाता का डायरेक्टर
क्या चैटर्जी उसका नाम इज यंग, तो उन्होंने आए, उन्होंने इत्तेफाक से एक बार फेसबुक में लिख दिया ब्रिटिश काउंसिल की फेसबुक की पेज में दैट हैविंग मास्टरी इन इंग्लिश लैंग्वेज इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ वन्स ओन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. मैंने कहा इतना हिम्मत तो किया अपने आप ना अंग्रेजी का प्रसार करते हैं लेकिन ये चीज़ें लिखा. उसने कहा ये मैं लिखा एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो देयरफॉर अंग्रेजी में बोलना और ये सब अंग्रेज की चीज़ें ले आना ये शोभा नहीं देता दोस्त. और आज की तारीख में मैं मानता हूँ मैं अभी भी मेरी मातृभाषा में बोल नहीं पाता, मैं भूल गया हूँ. अभी भी मेरी सोच मेरी मातृभाषा में है, मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ क्योंकि वो मेरी दूसरी लैंग्वेज थी और मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा तीसरी लैंग्वेज थी. आप बताइए, हो सकता है आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी हो, किसी की पहली लैंग्वेज मिजोरम जैसा इंग्लिश भी हो, तो लेकिन हमें अपनी धरोहर पर रहना जरूरी है. सो देयरफॉर आपकी जो नया शिक्षा नीति आप पढ़िएगा, उन्होंने दो चार चंद बातें कहा है. नया शिक्षा नीति क्या कहा है मैं आपके सामने रखता हूँ. उन्होंने यूनेस्को का वही चीज़ लिया जब इन्होंने बनाया था लर्निंग टू बी. आपने उसको पढ़ा होगा, कभी लाइब्रेरी में होगा, देखिएगा. फाउंडेशन वही है क्योंकि वो भारतीय धरोहर से गया था. यूनेस्को का जो कमीशन की रिपोर्ट लर्निंग टू बी हमारा भारतीय ढांचा पर ही आधारित है. इसको कभी पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा. वही रिफ्लेक्शन आज की तारीख में आपकी नया शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में दिखाई देता है. लर्निंग एज नोइंग, लर्निंग एज डूइंग, लर्निंग एज लिविंग टुगेदर एंड लर्निंग टू बी. ये जो चीज़ें हैं उन्होंने कही थी वही आधार है आपकी 2019, हो सकता है 2020 हो जाए निकलते निकलते उसकी है. दूसरी बात इन्होंने कहा, और हाल ही में मैंने एक किताब प्रदान की आपके लाइब्रेरी को, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये अभी नीति आयोग में चर्चित है ये किताब, कि लगभग 45 मिलियन बच्चे अंडर ग्रेजुएट से निकलते हैं डिग्री के साथ विदाउट एनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. उनको नौकरी कैसे मिले अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसके भी मैं चंद थोड़ी सी बात करूंगा. तो ये जो काम हमने किया है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए, मैं थोड़ी सी बात करूंगा. और मैं मानता हूं तभी भी मैंने जिगर किया था, मेरे दोस्त माने नहीं, खास करके प्रोफेसर कृष्ण कुमार. मैं तो लड़ता रहा, और दोस्तों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो रिटायर हो गए इसलिए नाम लेता हूँ. सो और भी लोग हैं, मैं नहीं लूँगा उनके नाम, अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात भी नहीं है. उन लोगों के साथ मैं लड़ता रहा कि साहब कुछ चीज़ें शिक्षक शिक्षा में ऐसे करिएगा. इन्होंने, मेरे कुछ दोस्त तो समझ नहीं पाए, मंत्री जी को पता ही नहीं था, उनको अपना पता नहीं था वो क्या कर रही थी. सो ऐसे होके बीत गया और बहुत कम टाइम मिला, लेकिन एक सख्त परिवर्तन आपके सामने आया और जिसको आप जूझ रहे हैं, और आपको जूझना तो पड़ेगा क्योंकि मुश्किल चीज़ आपके हाथ में आई है, तो इसलिए आपको जूझना पड़ेगा. तो स्किलिंग की बात हुई है. नया पॉलिसी में दो चीज़ कहा गया कि सभी का दिमाग ठंडा रखने के लिए जीवन का उद्देश्य सुखी रहना है. इंटरनेशनली द यूनाइटेड नेशंस द UNDP मोर पर्टिकुलरली दे हैव चेंज्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स. तो इसलिए हैप्पीनेस अभी आपकी पैरामीटर है जीवन का और डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट विद इन कोट, डेवलपमेंट हैज़ बीन क्वांटिटेटिव फॉर लॉन्ग, नाउ डेवलपमेंट हैज़ कम टू ए पॉइंट दैट इट हैज़ टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस. एंड देर आर इंडिकेटर्स, देर आर क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स ऑल्सो. इन फैक्ट पर कैपिटा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देयरफॉर आई डोंट हेजिटेट टू से एंड बिलीव दैट देर आर पर कैपिटा इनकम सर्टनली रिमेन्स एज द फाउंडेशन फॉर दैट, बट सर्टनली द पैरामीटर, द हाइस्ट पैरामीटर इज हैप्पीनेस. सो देयरफॉर नया पॉलिसी में उन्होंने कहा है आपको दो चीज़ पढ़ना है. ये बात मैं कहता था, मेरे ये नहीं मानते थे.
मेरे को कृष्ण कुमार कहते थे तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तेरे को सिलेक्ट किया था मेरे डिपार्टमेंट में। मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी के नाते मेरा मान लो, गुरुजी के नाते मेरा मान लो, थोड़ी चंद बातें बताऊंगा क्या चीज़ मैंने मनवाया उनसे और कैसे मनवाया। मनाने के भी तरीके होते हैं, मना सके तो मान जाए, ना मना सके तो कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं बात बनती है, मनाना आना चाहिए। मैं उसको खूब इस्तेमाल किया जी। कल्चरल हिस्ट्री, आपकी शिक्षा आपकी कल्चरल हिस्ट्री पर आधारित होना चाहिए, ये बुनियादी बातें नया शिक्षा नीति का है। सभी को लिबरल आर्ट्स पढ़ना है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, सबका दिमाग ठीक रहना जरूरी है, सबको शांति मिलना जरूरी है। ये फाउंडेशन है आपकी नया शिक्षा नीति का। और सबका इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन, सभी का स्किलिंग होना जरूरी है, नॉट नेसेसरली टू बी इक्वेटेड विद वोकेशनल एजुकेशन। मैं वाकिफ हूँ क्योंकि इसका पूरा रिव्यू देश का आपके सामने है, वोकेशनल एजुकेशन के साथ नहीं है, बट नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के साथ आपकी कॉम्पेटेबिलिटी होके करना जरूरी है। देयरफॉर स्किलिंग, जब आप स्किलिंग कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे तो स्किलिंग कॉम्पिटेंसी हैज टू बी इक्वेटेड विथ द फैब्रिक और द रूब्रिक दैट इज गिवन बाय द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। आपकी ग्रेड वन से लेके, लेवल वन से लेके, विच इज इक्विवेलेंट टू प्राइमरी स्कूलिंग से लेके आप यूनिवर्सिटी तक चलेंगे। ये सब चंद बातें हुआ है, ये तो शुरुआत है। आजकल बच्चे तो बच्चे मास्टर जी पढ़ नहीं पाते, मेरे को विश्वास करो, मैं भी मास्टर जी हूँ, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ। लर्निंग हाउ टू लर्न, ये इतना आसान चीज़ नहीं है। और आज के चालिक में व्हेन देयर इज एनफ एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड considerable developments, बहुत सारे और बाकी भी है, considerable developments in social technologies and social networks, उसी ज़माने में आप एक थ्योरी पढ़िएगा, आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, बड़े इजम पढ़ते हैं, आप कंस्ट्रक्टिविज्म तक पढ़ गए हैं। मेरी एक दोस्त है, उसके साथ मैंने इस्तांबुल में की नोट दिया था, तो उसने एक थ्योरी दिया, दिस इज़ ए थ्योरी, एजुकेशनल थ्योरी फॉर 21st century, एजुकेशनल थ्योरी फॉर डिजिटल एज, दैट व्हाट शी सेज। जॉ सीमैन गेव ए थ्योरी कॉल्ड कनेक्टिविज्म, उसको देखिएगा, हाँ गूगल करिए, फ्री में मिलेगा, आजकल सब फ्री है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एनीथिंग एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कम्प्लीटली कॉपीराइटेड, नथिंग इज फ्री। आप एक सेंटेंस भी वहाँ से नहीं उठाएंगे। आज की तारीख में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहता है आप सस्पेंड होंगे, और मास्टर जी जो आपको रिसर्च गाइड करते हैं वो अंदर हो जाएंगे, अंदर आप समझते हैं। नॉट अ सिंगल सेंटेंस, आई रिपीट, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एवरीथिंग इज कॉपीराइटेड, नथिंग इज फ्री, अनलेस it is declared under international legal authorization called creative commons, jisko aap open education resources kehte hain, unless it is declared, so your c is copyright, double c is creative commons, once it is declared under double c you can use it। chaliye uski baatein bhi karte rahenge। khair madam ji meri finland ki baatein karti thi कि बताइए, मैडम के पास टाइम नहीं होता था, मेरी मंत्री, हमको फिनलैंड चाहिए। हमने बोला भारत को भारत चाहिए, भारत को फिनलैंड क्यों चाहिए? वो फिनलैंड बड़ा छोटा सा है, उसका अपने धरती है, अपनी कल्चर है, अपनी भाषा है, अपनी चिंतन है, अपनी खान पीन है, अपनी तरीका टोटली अलग है। फिनलैंड अगर ब्रिटिश समझता बेहतर है, जो बेहतर है, तो ब्रिटेन ना ले लेता फिनलैंड को। ब्रिटेन ब्रिटेन है, फिनलैंड फिनलैंड है, फिर भी फिनलैंड ब्रिटेन से बेहतर है, शिक्षक शिक्षा के मामले में, पूरी शिक्षा के मामले में, जितनी नॉर्डिक कंट्रीज हैं सारे लगभग बेहतर हैं। तो फिनलैंड चाहिए, हमने बोला ये पॉसिबल नहीं है, फिनलैंड इज नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री, आवर कंट्री इज आवर कंट्री। देयरफॉर फ्रेंड्स, हमें बाहर को देखने से पहले कम से कम इतना, मुझे बड़ी दुख होता है
मैंने एनसीटी में दो चार बातें सवाल देश को पूछा, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। एक सवाल मैंने पूछा था, आपने अपनी देश में थोड़ी बहुत अपनी प्रणाली के बारे में कुछ कुछ रिसर्च आपने किए हैं जिसको लेके हम सारा देश में फैला सकें, उसको बना सकें, सबके सामने रख सकें, जिसको हम गुड या बेस्ट प्रैक्टिस कहें और उसको सामने रखें, मुझे आज तक नहीं मिला। मैं बड़ौदा में पीएचडी करने के लिए गया था, भाग के आ गया, लेकिन एक चीज़ सीख के आया, मैंने 7 दिन वहाँ रहा, 1982 में पीएचडी करने में गया था, एक चीज़ मैंने देखा, तब वो निकलता था, आजकल बंद हो गया, व्हाट द रिसर्च सेज अबाउट क्लासरूम प्रैक्टिस। गया जी वो जमाना, आज की तारीख में बड़ी बड़ी बातें, बड़े हर चीज़ बड़ी बड़ी बातें, निकलता कुछ नहीं धल्ले की। मैंने जब एनसीटी से सवाल पूछा, मुझे आलू मिला जी, आलू, आई हैव रिकॉर्डेड ऑन फाइल, आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं, गोज आउट टू प्रेजेंट टू द कोर्ट कि साहब देश में इतनी बुरी हालत है कि आप किस ढंग से अपनी चीजों को करते हैं उसके बारे में अगर आप शोध नहीं करेंगे तो आप बाहर से लाके हमारे ऊपर थोपेंगे। मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जाम्पल कोर्ट के सामने रखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, कंस्ट्रक्टिविज्म, और जिसकी लाल किताब आपकी एनसीएफ 2005, उसको भी रिवीजन करने की ज़रूरत है, और एनसीएफटीई 2009। मैंने कहा ये लाल किताब टीवी में दूसरा घूम रहा है, जानते हैं दूसरा टीवी में लाल किताब घूमता, हाँ या ना आवाज़ करके बताओ, हाथ पैर मारो यार, भुवनेश्वर बड़ा शहर है, आजकल बदल गया है, यहाँ भी सब कुछ होता है। एक लाल किताब टीवी में घूम रहा है, आपकी भविष्यवाणी बताता है, खूब बिकता है, वो करोड़पति हो गया। हमारा लाल किताब अलमीरा में बंद है, एनसीएफटीई 2009, मैं उसको निकाला, निकाल के यूनिवर्सिटी को पूछा किसी ने इसको देखा है, ना जी, ये क्या चीज़ है बताइए, ये हाल है। मैंने कहा ये जितनी आप लर्निंग थ्योरी पढ़ा रहे हो इसको सब हटाओ। प्रोफेसर दोरास्वामी को कहा, हमारा ये बाबू पंडा बाबू वॉज मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, मैंने कहा जो एनसीईआरटी में चल रहा है आरआई में वहाँ में नहीं चाहिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल एलिमेंट्री बैचलर एलिमेंट्री चल रही है उसमें तो नौकरी नहीं मिल रही, वो नहीं चाहिए। अब देखिए हमने क्या बनाया, देखिए बारीकी से जो कोर्ट के तहत बनी है। तो प्रोफेसर दोरास्वामी जी को मैंने कहा कि ये जो 4 साल का प्रोग्राम है तो उसमें कैसे इसको किया जाए, अब देखिएगा इसको कि साहब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कैसे हो, किस तरह हो, कैसे हो। खैर वो तब की बातें थी, मैंने एक सवाल रखा था कि हमारा भारतीय संस्कृति में, मैंने स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, उपनिषद तक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सभी की पाठ्यपुस्तक बनाया, योग शिक्षा को देश में कंपलसरी कर दिया, जिसको प्रधानमंत्री ने देश को सौंपा, खुद ही दिखाऊंगा दो चार, आई विल रन थ्रू, आई एम जस्ट, मैं कहानी बना रहा हूं आपकी। और मेरे आने के बाद ये सब वहीं पड़ा हुआ है, कहीं देश में नहीं हुआ। उपनिषद और शिक्षा ये पहली बार मैंने बनाया, चिन्मय मिशन का जो चीफ है उनको शिमला में 1 महीना बैठाया, बैठा के मैंने बनाया, कहाँ गया ये चीज़ें। भारतीय गणित को मैं थोड़ा सा शुरुआत किया था, बीएड योगा एजुकेशन, आप योग शिक्षा के बारे में आप कहते हैं, देयर इज नो योगा टीचर, दे आर ऑल इंस्ट्रक्टर्स, मैं उनको शिक्षक बनाना चाहता था, वो भी नहीं बनी बात। सो दोस्तों मैंने कई सवाल रखे थे, उनमें एक सवाल था कि साहब आपने अपनी पढ़ना पढ़ाने के तरीका में अपनी धरती पर खड़े होते हुए जो चीज़ करते हो उसके ऊपर कोई शोध है, जो अच्छा चीज़ निकला है जिसको हम आगे लेके बढ़ें, ये विदेश का लर्निंग थ्योरी पढ़ा के आपको मिलता क्या है। आई अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, आई कैन आर्ग्यू द केस, लेकिन आज की तारीख में वही पुराना लर्निंग थ्योरी रट्टा हुआ, वो तमाम चीज़ें, मेरे को काहे पढ़ना है ये तमाम चीज़ें, क्यों पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है आपकी जितनी चीज़ें निकला है, मेरा काम में क्या लगेगा उतना बता दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, बस
ये तमाम का क्या मकसद है? उसके जवाब आज तक मुझे नहीं मिली। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बहुत डिबेट्स हो चुका है और वो लाल किताब भी शुक्र है थोड़ी दो चार महीने में बदल जाना चाहिए, लाल किताब भी बदल जाएगा, बदलना भी चाहिए। मैंने तो फेंक दिया उसको, मैंने कह लीजिए इसको हम नए तरीके से बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म को हम दोबारा डिफाइन करेंगे, नॉट द वे द कंस्ट्रक्टिविज्म हैज बीन डिफाइंड। इफ यू टेक ए पोजिशन ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, इवन इफ आई से दैट यू टेक ए पोजिशन ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, स्टिल द वे कंस्ट्रक्टिविज्म हैज बीन डिफाइंड। इफ यू लुक एट योर ओन गुरुकुला सिस्टम इटसेल्फ, when you talk about self-regulated learning and metacognition, these are two highest forms of learning. Self-regulated learning and metacognition is by the individual. The teacher has to facilitate by the student that you will be regulating yourself and your learning, and you will go beyond your cognition to scrutinize and handle your cognition the way you would like through multitasking. Metacognition. मैंने कहा आपके जो गुरुकुला सिस्टम में हर शिक्षक, हर बच्चे जो पढ़ते थे उसकी पद्धति, उसकी पाथवेज में उसकी पूरी मास्टरी थी, उसको वो लीड करता था, दैट मीन्स इवन ट्विन्स आर नॉट द सेम। इफ ट्विन्स आर नॉट द सेम, यू लर्न द वे यू परसीव, आई लर्न द वे आई परसीव, आई डोंट लर्न फॉर यू, यू डोंट लर्न फॉर मी, यू लर्न फॉर योर सेल्फ, आई लर्न फॉर माई सेल्फ, इट्स एज सिंपल एज दैट। You argue the case? So therefore, the teacher's responsibility is to guide each one in the independent pathways that one is. मैं जैसा हूं मुझे उसी हिसाब से लेके चलिए। आप नया कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कहना चाहते हैं? बड़ा इफ देयरफॉर, ये अंग्रेजी भाषा आप समझ जाओ ना, इतना आसान लगता है। जब तक आप नहीं समझते हो आपको घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। एक बार समझ जाओ फिर तो गया, बस कुछ भी नहीं निकलता। बड़े बड़े प्रोफेसर हमारे जो कंस्ट्रक्टिविज्म, मैं कहा भाई अंग्रेजी हमको मत सुनाओ यार, इसका कोई फायदा नहीं है। सो इफ आई इन्वाइटेड ऑल प्रोफेसर्स ऑफ द कंट्री टू आर्गू द केस, आइदर आर्गू एट एनसीटी और आर्गू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आप आर्गू करिए। मुझे जवाब नहीं मिला। दूसरा मैं ढूंढता रहा कि साहब भारतीय धरोहर में हमारा इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन साइकोलॉजी में ऐसा कुछ चीज है जो हमने पढ़ने पढ़ाने में मदद करे। अगर ऐसा है मुझे नहीं मिला। मैं कैवल्यधाम खूब जाता हूं, अभी तो हफ्ते पहले था व्हेन आई डिड योग शिक्षा, प्रधानमंत्री का योगा गुरु मेरे चेयर ऑफ द कमेटी रहे नागेंद्र जी, उनको मैं चेयर ऑफ द कमेटी बनाया। स्वामी रामदेव जी आपकी मंगेर स्कूल, आपके आयंगर स्कूल, कैवल्य धाम, स्वामी आत्माभिरानंद, बेलूर मठ वाइस चांसलर कोलकाता, सब दोस्त हैं, सबको मैं लेके बैठाया बनाया और जिसको प्रधानमंत्री रिलीज किए। लेकिन मैंने सबको पूछा कि ये तो योग शिक्षा तो ठीक है, लेकिन आपके इंडियन साइकोलॉजी में ऐसा कुछ है जिसको लेके हम वेस्टर्न मॉडल को रिप्लेस करें? मुझे आज तक नहीं मिला। मैं हाल ही में हफ्ता पहले कैवल्य धाम में था, कैवल्य धाम का एक सरदार जी जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मैंने उसके साथ जोड़ रहा हूँ कि साहब ऐसे कुछ निकल रहा है तो बताइए कि आप इसको रिव्यू करिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स स्क्रिप्चर को आप रिव्यू करके बताइए कुछ ऐसा पद्धति निकलता है। निकलता है तो आज की तारीख में आपने कहीं इसको लगाया। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है करने के लिए करना पड़ता है, करने के लिए बोलना जरूरी नहीं। मैं जो समझाऊं, मैं तो देहाती भाषा में समझता हूं, करने के लिए करना पड़ता है। डोंट मेक इट एब्स्ट्रैक्ट, मेक इट कॉन्क्रीट, शो मी हाउ इट इज डन। इफ इट इज नॉट डन, इफ इट इज नॉट शोन हाउ इट इज डन, हाउ कैन आई बिलीव? देयर इज अ चाइनीज प्रोवर्ब, आई सी आई फॉरगेट, आई डू देयरफॉर आई लर्न। मैं खूब चाइना जाता हूँ, खूब जाता हूँ, 20 बार हो गया है, मैं विजिटिंग प्रोफेसर जाता हूँ हर साल। चाइना में मैं देखता हूँ 10 साल पहले वो हमारे पीछे थे, आज की तारीख में वो हमसे इतने आगे निकल गए। कैसे निकल गए? बिकॉज दे डू एंड वी गिव लेक्चर हाउ टू डू। दैट्स द डिफरेंस दैट आई हैव सीन फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा रनिंग कर दूँ, आपके सामने अगर पढ़ पाओगे दूर से दिखाई देगा
तो देख लीजिएगा, चंद बातें मैं करूंगा, लिखा हुआ अंग्रेजी में बोलूंगा हिंदी में। ये आपकी तारीफ में रिफॉर्म्स जो साझा ताज़ा आपके सामने है। टीचर एजुकेशन में देखिए कितना लगा, क्योंकि हमारा आज की तारीख टीचर एजुकेशन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम देखते जाइए, एविडेंस बेस्ड टीचिंग, आउटकम बेस्ड लर्निंग, सारे कॉलेज सारे विश्वविद्यालय देश में ये रेगुलेशन कंपलसरी है। कंपलसरी कहने का मतलब कंपलसरी। आपने शिक्षक शिक्षा में लगाया, इधर उधर की बात मत करो यार, जो चंद बातें हैं जो असली बातें हैं उसके ऊपर बात हो जाए। भाषण तो चलता रहेगा टीवी में, डिबेट अगर आप सुनते हैं, मैं नहीं सुनता क्योंकि उसका कोई मायने नहीं है। आई रिपीट, करने के लिए करना पड़ता है और करने से पहले समझना पड़ता है। अगर आप समझ गए, आपके करने के लिए मौका मिला और आपने कर दिया, इससे बड़ी चीज़ है ही नहीं। वही आपके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं बताइए, प्रधानमंत्री आपका कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं भाई। करने से पहले समझना है और अगर समझ में आ गया उसको तो कर ही देना है, बस यही चीज़ हो रहा है। सो आपके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड, ये गया कहाँ? नया पॉलिसी में कहता है स्किल्स एप्लीकेशन, पढ़ रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, स्किल्स, आपकी अपनी शिक्षा स्किल कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप कर रहा है? मैं चंद बातें दिखाऊंगा, व्हाट डज इट मीन। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं जो फुल ब्राइट में पढ़ाता था अमेरिका में, 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो मैंने 10 मिनट बक बक शुरू किया। मैं अमेरिका में अमेरिकन अंग्रेजी बोलता हूँ, ब्रिटेन में ब्रिटिश अंग्रेजी मैं बोल सकता हूँ, वैसे कलाकार हूँ, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में पंजाबी, तो ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने बढ़िया तरीक़ा से शुरू किया जी, अमेरिकन प्रोफेसर से भी बेहतर ढंग से मैंने पढ़ाया। 10 अगर समझ सके तो समझ लो, 10 मिनट के बाद एक सीनियर सिटीजन क्लासरूम में छिड़ा हुआ, उनका इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, उन्होंने बोला प्रोफ, आई सेड यस, वेल यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड, आई सेड सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस, यू नो आई हैव समथिंग टू से, आई सेड प्लीज गो अहेड। मैं खुश हो गया, मैं क्या मेरा तारीफ कर रहा है, मुझे थोड़ी पता था मेरे को पीछे से गोली दे रहा है। सो 2 सेकंड में मुझे पता चल गया, इंडियन दिमाग है, तेज तो है ही है, तो पता तो चल जाता है, लेकिन करें तो क्या करें, पता करना जरूरी नहीं, करना जरूरी है। देखो हिस्सा है, पता करना कोई जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। अगर करना नहीं आता तो चुप बैठा करो, अगर बोलना शुरू किया तो करो। ये मुझे वो सीनियर सिटीजन ने समझाया, बोला प्रोफेसर For 10 minutes you are doing buck 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 buck. Well, I am wanting to suggest you. I said what? Please go ahead. Well, Prof, if you don't mind, I would say, if you'd like to continue any further, we will have no option but to say see you later. ये इंडियन दिमाग है, मैं समझ गया। मैंने बोला भाई तू मेरे को तो आउट ही कर दिया, पूरा बाउल आउट कर दिया, मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने कहा यार अब मेरे को बता, सबको समझा, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन। मेरे को समझाया, बोला प्रोफेसर तुम जो बकबक कर रहे हो ना, यू आर कमिटिंग नथिंग बट प्लैगियरिज्म, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू कैन ओनली स्पीक दैट विच यू हैव डन योरसेल्फ or you have studied, researched, reviewed, whatever, critically reflect yourself, you have the right to say that. Aapko wo haq hai. And point number 3, most important, that unless you don't know how to apply, and more so, if you have not applied yourself, you have no right to say in the classroom. By the way, if you continue to do that, we would have no option but to sue you in the court of law. मेरे को कह दिया जी, मैं अभी अमेरिकन सिस्टम 5 मिनट में समझ गया जी,
अमेरिका में वही बात करते हैं जिसको वो करके दिखाते हैं। जब तक आप नहीं करेंगे आपको बोलने का हक नहीं है, चुप रहो तो बेहतर है। बक बक नहीं चलता। हमारा कल्चर के ऊपर अमर्त्य सेन ने एक बढ़िया किताब लिख दिया, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। मैं आगे उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। मैं जब एनसीटी में गया, मेरा पहला सवाल था, इज टीचिंग ए प्रोफेशन? आप एनसीटी 2014 रेगुलेशन देखते हो, मेरी तरफ से देखो 14 का रेगुलेशन कैसे बनी। मैंने पहले सवाल उठाया, इज टीचिंग ए प्रोफेशन? आपके पर्दे पर है। मैंने कहा आर्गू द केस, इफ लॉ सेज, इन फैक्ट आई गेव द आर्गुमेंट दैट अ लॉयर has to tell lie in the court of law to survive as a professional, but a teacher cannot afford to do that. Agar ek vakil jhoot nahi bolega uska dukaan band ho jayega. Can a teacher afford to do that? So there here is a distinction between a lawyer as a professional and teacher as a professional. Aap bataiye, aap dehati baat karo, bade bade shabd ki baat mat karo. Therefore what is a profession? Jo main argue kiya tha aapke parde par hai. मेरे पास समय नहीं है, आज मैं लेट हो गया, तो आपको थोड़ी सी बताता। आप बच्चे आगे भी जाओगे, कुछ करोगे लाइफ में, हैं? हम तो सोचे थे मूंगफली बेचेंगे, फिर भी यहाँ तक पहुँच गए। आप तो बहुत आगे जाओगे, आप बहुत। मेरे फादर ने कहा, तू अगर ये जो पर्दे में दिखाई दे रहा है, एक फिल्म फिल्म के चक्कर में जाएगा तो मूँगफली बेचेगा, तो भाग जा। मेरे को भगा दिया, स्टेट से ही भगा दिया। भगा दिया तो मैंने पीछे मोड़ के देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे एक बार मौका मिलता है मैं मौका को छोड़ता नहीं, उसको जी जान लगा के जीता हूँ और उसको भी खुश रखता हूँ, खुद ही भी खुश रहता हूँ। आज तक मेरा ब्लड प्रेशर नहीं है, थैंक गॉड, आज तक मैं हॉस्पिटल नहीं गया और आगे मुझे उम्मीद है मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा जी। आप अपने खुदा से कह दो कि इतनी हिम्मत है तो मुझे हॉस्पिटल भेज के देख ले। नहीं भेजेगा जी, नहीं भेजेगा। अगर आप इतना हिम्मत आप में होना चाहिए, वो मैं शिक्षक शिक्षा से आपसे उम्मीद रखता हूँ जो मैंने मेरी टाइम में आपके शिक्षक शिक्षा में किया। अदरवाइज मैं तो शिक्षा मैं तो टीचर एजुकेटर हूँ ही नहीं, मेरा क्या हैसियत है आपसे बात करने के लिए? कुछ भी नहीं है जी। लेकिन मैं जितनी देर रहा, किसी की हिम्मत नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ गया। मैंने कहा पहले समझो, समझ के उनके ऊपर गोली डालो, उसी के ऊपर फेंको जी। वो बोलता है मैं तेरे ऊपर बल फेंका, हाँ जी कोई बात नहीं, बल फेंका, कैसे स्टाइल में फेंका, कैसा फेंका, ऐसा फेंको जो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टाइल में आपने फेंका, ऐसे फेंको उसको। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हर एक में ताकत है, हर एक में ताकत है। आप कुछ भी काम करिए उसको समझ के करिए, समझने से पहले बिल्कुल सर हिलाइए ही नहीं, पहले समझ जाइए। समझने के बाद तो मैदान आपका है जी। समझते हो क्या? मेरे सवाल उसके ऊपर है। सभी कहते हैं हम समझते हैं, समझते हो क्या? अगर समझ गए, अगर मोदी बाबू को समझ में नहीं आता ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंधे पर ऐसे हाथ नहीं डालता। उसको समझ है इसलिए हाथ डालता है, और जिसके ऊपर हाथ डालता है वो भी अच्छा महसूस करता है, वो भी अच्छा महसूस करता है कि किसका हाथ मेरे कंधे पर आया। वो भी गर्व महसूस करता है आज की तारीख में। भारत का ये जो शान है आज की तारीख में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मोदी जी से तो कुछ सीखिए, कुछ तो सीखो यार, कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो। इसलिए जीवन में एक चीज ठान लीजिएगा, हर मूड पर मेरे को अगर खुदा ने कहेगा तेरा अभी 2 मिनट में तेरा सत्यानाश, तू ऊपर जाएगा 2 मिनट में जाएगा, मैं कहूँगा अरे यार 2 मिनट तो बाकी है ना, 2 मिनट तो सीखने दो, ऊपर जाके बात करेंगे, ऊपर जाके बात करेंगे। अगर ये हिम्मत आपके ऊपर आ गया ना, फिर जीवन में कभी पीछे मोड़ के आप नहीं देखोगे। मैं आपको क्या प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैंने लड़ा खुद ही खड़े होके, शुरू में
मैंने कहा मुझे ये पूनम बात्रा कमेटी रिपोर्ट मेरे आने का दो दिन पहले जिसने कहा एमएड फेमेड फेमेड कुछ नहीं है जी, ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम सब दुकानदार उसके ऊपर घुस जाएंगे। मैंने कहा ठहरो, सब घुस जाएंगे, ये सब पंडा बाबू ये सब बाबू सब घूमते थे। मैंने कहा देश में आओ भाई, टीचर एजुकेटर्स लड़ो, सब भागे जी। हमारा प्रभात साहू बाबू जानते हैं, वो टीचर एजुकेशन एसोसिएशन का मालिक है, गमछा डाल के इलाहाबाद से कोर्ट से वो भी कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, वो भी जाके पहुंच गए मेरे यहाँ आईटीओ में, धरना लगाए, ये लगाए वो लगाए। मैंने कहा साहब जी कहाँ क्या गलती कहाँ हुई? नहीं, गलती हमसे हुई है, आपसे नहीं। क्या क्या गलती हुई आपसे कि साहब हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, हम इसको लड़ नहीं पाते हैं। मैंने कहा NCERT आपके एसोसिएशन को प्लेटफॉर्म देगा लड़ने के लिए, आप आओगे मेरे साथ लड़ने के लिए? मेरे साथ वो आए, मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया, मैं लीगली काम करता हूं, बगैर लीगली काम नहीं करता। मैं आपकी शिक्षक शिक्षा को लीगली समझाऊं, एकेडमिकली मेरे तो 10% का है समझने के लिए, इसमें रखा क्या है समझने के लिए बताइए, रखा क्या है? Therefore, I said that if you have to argue the case, if this is a profession, once for all you define that this is a profession. Like any other profession, बोलते हैं plus two के बाद वो वकील बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तब उसका मस्तिष्क पूरा ठीक है। प्लस टू में शिक्षक बनेगा, मस्तिष्क बिगड़ गया। काहे बताइए? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमारे ऊपर कैंची चलाएगा वो सोच सकता है, एक मास्टर बनेगा वो नहीं सोच सकता। बोले प्लस टू में दिमाग बड़ा कच्चा है जी, मैंने बोला डॉक्टरी के लिए पक्का है। बताइए, दिस इज व्हाट आई आर्गुड द केस, दिस इज व्हाट आई आर्गुड द केस। मैंने कहा आर्गू द केस, आर्गू द केस इफ यू का मतलब है भाई, आपका विश्वास आपका, मेरा विश्वास मेरा, लेकिन हम दोनों को साथ आने के लिए एक तो साथ समझना तो पड़ेगा, नहीं तो दूर खड़े रहेंगे, कैसे होगा? सो देयरफॉर फ्रेंड्स आई आर्ग्यूड पॉइंट नंबर वन दैट टीचिंग इज अ प्रोफेशन, टीचर एजुकेटर्स आर प्रोफेशनल्स, दिस इज पॉइंट नंबर वन। मैं इसी तरह आर्ग्यू किया जो आपकी पावर पॉइंट में दिखाई दे रहा है। मैंने कहा अगर एक शिक्षक बनेगा स्कूल में, क्योंकि टीचर एजुकेशन इज अबाउट स्कूल, उसके अलावा कुछ है तो बताइए, घर की शिक्षा है, निजी शिक्षा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, कुछ भी हो सकता है, सेल्फ लर्निंग है, कई तरीके हैं। तो लेकिन अगर शिक्षक शिक्षा देता है और दिलवाता है, खुद ही देता है दूसरे से शिक्षा दिलवाता है, अगर ऐसा है, यू डू योर सेल्फ लर्निंग एंड द टीचर इज ऑल्सो टीचिंग इन ए वे फैसिलिटेटिंग लर्निंग, अगर ऐसा है मुझे तो दिखाई नहीं देता कि ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है उसकी माध्यम पर केस क्यों आर्गू कर रहे हो जो चीज आप करते नहीं हो? मैं तो सीधे से सवाल पूछ रहा हूं, अगर इफ यू आर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, मुझे एविडेंस चाहिए, मेरे सामने एक तो एविडेंस रखो जी, सो दैट आई कैन आर्गू द केस। मुझे नहीं मिला जी, देयर आर अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स, दैट्स ऑल, एंड एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड एज नेशनल इश्यूज, आप उसको लेकर आर्गू नहीं कर सकते। सो देयरफॉर आई सेड आप अगर एक टीचर एजुकेटर हैं जिससे टीचर बनता है, आपके पर्दे पर है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए जिसको दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ये चार चीज में बता दीजिए, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या निकला, किसके काम में लगा, मुझे बता दीजिए। दैट टीचर इज ए पेडागॉग, इज एन एक्सपर्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग, गुड। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं जो मास्टरिट गया, मास्टरिट नेदरलैंड्स के पास है, There was a medical school which propagated, ये 20 साल से ज़्यादा हो गया है, a medical school which propagated
problem-based learning in medical science in surgery. Puri surgery problem-based learning, PBL, ke upar padhaya. Humko sirif aadha din ka exposure diya. Un logon ne kaise karte hain. That is the one of the finest medical schools in the world. Problem-based learning mein puri medical school chalta hai, medical university. School ka matlab university chalta hai. Problem-based learning, this is your second point. That can a teacher, is a teacher a reflective practitioner? Mujhe evidence chahiye. Researcher, jisko maine kaha aapko, ki saab, what research talks about practice in the school? Aap to school mein padhate hain. School ke padhne, padhane, tamam school, climate, ye, wo, bahut lila hai ji school mein. जब मैंने कहा 6 महीने का इंटर्नशिप कंपलसरी होगा देश में शोर मच गया कि साहब आप मास्टर बनेंगे शक्ल दिखा के बताइए आपको 6 महीना अगर दूसरा 1 साल का इंटर्नशिप करता है एक टीचर बनने के लिए और टीचर एजुकेटर बनने के लिए जब ये मैं बात कहा ओनली अ टीचर कैन बिकम अ टीचर एजुकेटर तब एंड पूनम बात्रा एंड कंपनी कहते हैं आज की नया पॉलिसी 2019 पढ़ लीजिएगा जिसको हम संघर्ष कर रहे हैं कि आपकी 2019 की पॉलिसी इज नथिंग बट पूनम बात्रा कमेटी रिपोर्ट आप इसको गांठ बांध लीजिएगा कैसे होगा जी सरकार आपका है नीति आपका है कैसे निकल जाएगा शर्म आनी चाहिए इसको मैं दावा के साथ कहता हूं वहां भी कहता हूं और यहां भी कहता हूं क्या मतलब है कि साहब आपको एक फिजिक्स प्रोफेसर बनने के लिए एमएससी फिजिक्स जरूरत नहीं है नहीं है तो कोर्ट में तय कर लो सारे सब्जेक्ट में जाकर दुकान में लड़ाई करें खुले आम छोड़ दो जी सबको अगर ऐसा नहीं है एक शिक्षक टीचर एजुकेटर बनने के लिए उसको टीचर एजुकेशन का डिग्री हासिल करना जरूरी है या नहीं हां या नहीं नहीं कितना कहेंगे कह दो एक आधा कुछ तो जाए आवाज तो उठना चाहिए मैंने कहा क्या मतलब है पूनम बात्रा कमिटी रिपोर्ट आई brought it back from the Honorable Supreme Court of India. मैंने कहा मैं नहीं ये मेरी रिपोर्ट नहीं है मैं साइन नहीं करूंगा मुझे वापस करिए मैं उसको 2 महीना पढ़ने के लिए मोहलत मांगता हूं आपसे कोर्ट ने कहा यस इजाजत है पढ़िए मैंने 2 महीना पढ़ने के बाद the rest is history मैंने कहा मुझे टीचर एजुकेटर की जरूरत नहीं है मुझे समझना जरूरी है टीचर एजुकेटर इस देश में इतना सख्त नहीं है जिसको लेके आप लड़ सकते हो लेकिन खुद ही समझना जरूरी है अगर टीचर एजुकेटर साथ दे दें जो मेरा बहुत साथ दिए अगर साथ दे दें वो तो सोने पे सुहागा जी बताइए आपके सामने रखा हुआ है मैं जिसको आर्गू किया केस को कहते हैं हमें फिनलैंड चाहिए मैंने कहा मैडम ये आपका फिनलैंड है जी लीजिए हमको फिनलैंड चाहिए मैं फिनिश सिस्टम को खूब अच्छी तरह समझता हूँ कोई भी बेस्ट सिस्टम है उसको आप स्टडी करिए देखिए वो उनका है हमारा है हमारा अपनी प्रॉब्लम्स है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है वो चीज़ें क्यों आप रख रहे हैं इसके सामने एक टीचर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एक टीचर रिफ्लेक्टिव होना जरूरी है रिफ्लेक्टिव होने के लिए रिफ्लेक्शन का थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं है रिफ्लेक्टिव होने के लिए रिफ्लेक्टिव होना जरूरी है रिफ्लेक्शन की थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं है ये मैं खुल के रखता हूं आई कैन आर्गू द केस सो देयरफॉर दो शब्द आपके लिखा हुआ है कि आप एक एक्टिविस्ट टीचर हैं हमारा एक्टिविज्म का मतलब शोर शरामा नारा माना जाता है एक्टिविज्म का वो मतलब नहीं है आर यू एन एक्टिविस्ट Every teacher has to be an activist. मेरा मानना है. So therefore, आगे बढ़िए. Therefore, मैंने जब argue किया कि साहब एक तो आपकी domain knowledge और pedagogy दोनों आपस में बात नहीं करते यही मुझे समझ में आया मुझे कुछ ज्यादा है तो समझा दो मैंने RIE का भी मॉडल पढ़ा उसका भी पढ़ा इनका भी रिपोर्ट पढ़ा पांडा जी को पूछिए इनका रिपोर्ट मैंने मंगवाया कि नहीं मंगवाया सभी का मैंने पढ़ा मैं जिसको पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर का घर में बैठ के रात के पढ़ सकता हूं तो आपका रिपोर्ट तो 2 मिनट में पढ़ लूंगा उसमें क्या है बताइए कहीं मुझे नहीं मिला आप बताइए दैट
It has to be interdisciplinary. Interdisciplinary doesn't mean a dialogue between two disciplines, not necessarily. Conceptually, from activity point of view, from example point of view, that you have to have cross-disciplinary knowledge, and therefore, wherever necessary, you have to bring in, because sare discipline aapas mein jude hue hain. Ye dharti pura juda hua hai ji. Aapka discipline, mera discipline ka hai, chal karte ho ji. Aapka discipline, mera discipline, inka discipline, sab ek hi hai ji, ek dharti ka hai. Isko thoda samajhne ke liye koshish karo. There must be cross-disciplinary understanding, there should be cross-disciplinary dialogue. Maine ye baat rakha. Even if you have specialization, within specialization, it has to be understood from a cross-disciplinary perspective or interdisciplinary perspective, if not cross-disciplinary. Therefore, मैंने last में sentence लिखा हूँ, आज की तारीख में जो professor है ना, they are suffering from what is called disciplinary blindedness. अपनी discipline में अंधे हो गए हैं, with the due regards to my friends from the disability sector. आज की तारीख में, this is what is called disciplinary blindedness. Scholarship of teaching and learning. मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें मत करो. NCERT भी आज की तारीख में रिव्यू हो रहा है, खुद के रिव्यू होनी चाहिए. मेरे ख्याल डायरेक्टर आपके सेनापति बाबू ने शुरू कर दिया है कहानी, और लीला चलते रहना चाहिए. और NCERT भी रिव्यू हो. मेरी बस चलता तो मैं तो रिव्यू क्या करता, मैं उल्टा देता, अपना लिखता. लेकिन जैसा है वैसा है, तो क्या करें. तो एक संघर्ष इसके लिए चाहिए. मैंने कहा धारा 370 हट गया और चीज़ें हट गया, सिविल कोर्ट भी आ रही है अपने रास्ते पर थोड़ी महीने में, तो ये भी हो जाए उसी हाथ, इसके भी हो जाए. होना जरूरी है. आपको अपनी आप को ना पहचान के दूसरों की नज़रिया से अपनी आप को देखने के लिए कोशिश मत करो. एक सेंटेंस में मैंने बता दिया. अपनी आप को देखने के लिए आईना जरूरी है क्या, समझ रहे हो. आई रिपीट, अपनी आप को देखने के लिए आईना जरूरी है क्या. और अपनी आप को देखने के लिए दूसरी नजरिया से क्यों देखने के लिए कोशिश करते हो. इतना तो हिम्मत होनी चाहिए कि अपनी आप को देखने के लिए अपनी नजरिया से देखना जरूरी है. Simple. Keep it simple, all problems will be solved. जितनी complex बनाओगे उतनी मुश्किल होगा. Complex इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि हम नहीं समझते हैं. अगर आप समझ जाओगे कितना सरल है जी, कितना simple है, बिल्कुल सरल है. Enjoy my friends. तीन चीज़ें आपके सामने रख दिया. मैंने कहा बताइए शिक्षक शिक्षा में, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे जूझना एंगेजमेंट चाहिए, और कंस्ट्रक्टिविज्म आपका नेशनल मुद्दा है. मैं कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ, मुद्दे के साथ लड़ूंगा और जूझूंगा. और ये तीन चीज़ों के साथ मैंने जूझा जो आपके सामने हैं. और मेरे आने के बाद उल्टा दिए, यही हमारे दोस्त लोग उल्टा दिए. मैंने कहा मास्टर जी, देश में पॉलिटिकली कोर्ट में ये अधीर रंजन बाबू आजकल कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा के मेरे मित्र हैं, अलग बात है. अरे वेस्ट बंगाल में गणा के उनकी कॉलेज पर क्या क्या, मैं फंस गया जी. अब बताइए मैंने कहा आप एनसीटी को क्यों ब्लेम करते हो कि साहब एनसीटी से पहले सब शांति था, एनसीटी आके सब चीज गड़बड़ कर दिया. मैं एनसीटी का नहीं हूं, लेकिन जितना दिन रहा मेरी फर्ज बनता है ये कहने के लिए, मास्टर जी पीछे से चुपके से अंधेरे में जो बीड़ा पीछे से ले लेते हो, उसके लिए एनसीटी को क्यों गाली देते हो, क्यों देते हो मेरे को बताइए.
मैंने कहा ये गवर्नेंस, सब उल्टा दिया जी। मेरे बड़े दोस्त लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा इसने ई गवर्नेंस किया, इसका तार काट दो। ये तक भी चला जी, लोग इतने नासमझ हैं, कहते हैं इसका तार काट दो, उसके दूसरा खींच के बोल रहा है ये सब वायरलेस है भाई, तार है नहीं, कहाँ काटोगे, कहाँ काटोगे बताइए। ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, एंगेजमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म को मैंने मुद्दा करके चला, स्ट्रक्चरल चेंज किया, 5-10 मिनट और क्या बात करेंगे आपके साथ। सो मैंने कहा अगर रेगुलेशन बनाना है, मेरी रेगुलेशन का मुद्दा ये है जी, इसके हिसाब से बनाइए, अगर सारे पहलू सामने नहीं होगा मैं रेगुलेशन नहीं बनाऊंगा। बताइए, आपके सामने है। मैंने कहा आप डंडे से क्यों चलाते हो, ये रेगुलेटर का काम डंडा नहीं है, रेगुलेटर का काम समझना, समझाना, साथ चलना। अगर साथ चलते चलते हाथ छोड़ दिया ना, फिर जाके ऐसा तीर चलाना, गोली लगाना, वो कभी जीवन में भूलेगा भी नहीं। बताइए, हम आपके तो साथ लेके चलेंगे जी, अगर हाथ पकड़ना छोड़ दिया ना, फिर आपको पता है क्या हालत होता है। हाथ पकड़ के चल पड़ो, अच्छी बात है। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि साहब ये हाथ पकड़ के इसका वकील, उसका वकील, इसका ये सब कमरे में बैठा के क्या डिस्कस करता है। मैंने कहा वकील को सामने रख दिया, तू भाई मेरा एनसीटी का पैसा बर्बाद मत कर, तू इसके लाला जी का पैसा बर्बाद मत कर, तेरा और कैसे जाके लड़, वो लाला जी को मास्टर जी का 2 पैसा और सैलरी बढ़ाने दो यार, जो वो मान के चले जाते हैं आपको तकलीफ क्या होता है बताइए। बोलते है पैसा अंदर लेता है, पैसा बड़े मोटा पैसा ये लेता है। मैंने कहा किसी का हिम्मत है तो आ जाओ सुप्रीम कोर्ट तक, बोलो 1 रुपया इसने ले लिया, मंत्री को भी 1 रुपया नहीं दिया तो तेरे को क्या दगा हो यार, बताइए। नहीं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वही कमी है आपकी, दिमाग की ट्रांसपेरेंसी, काम की ट्रांसपेरेंसी, और ये जो आप रेगुलेशन कहते हो इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कहीं नजर नहीं आता। काहे झगड़े करते हो, आपकी भी कल्चर में कहावत है, तुम तो ऐसे हो तो मैं तो ऐसे हो तो क्या करें फिर, अब समझ में आया। अरे चलो निपटा लेंगे यार आपस में, काहे ये सब झगड़े में जाते हो, काहे बबुआ झगड़े में जाते हो, चार आज अपनी जगह चला गया, इधर चला गया उधर चल, झगड़े काहे करते हो बताइए। किस चीज का रेगुलेशन करोगे यार, आपके सामने मैंने रखा हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड टीचिंग, करने के लिए करना पड़ता है यार, और जो किया है उसको तो बोलना मांगता है। आपकी 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 11 नया स्कूल ऑफ एजुकेशन विद 21 फैकल्टी मेंबर्स ईच विद 10 करोड़ रुपीस ईच, इससे ज्यादा क्या चाहिए, मैंने दिया यूजीसी मंत्रालय से करके दिया, उसमें भी आपको एक प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता तो रेगुलेटर क्या करेगा बताइए। इसी देश में प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन नहीं मिलते, आप उड़ीसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, तमाम सबको मिला हुआ है, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन नहीं है, जो प्रोफेसर जहां जमा हुआ है वहां छोड़ना नहीं चाहता, क्यों वो आपको पता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, मैंने कहा साहब अगर आप सही हो, आप संस्था अगर सही हो, मुझे पता है कई कागज पर चलते हैं, आरआई तो बहुत बड़ा संस्था है, अगर ऐसा सही हो तो आप एक एफिडेविट भर दीजिए कोर्ट के सिग्नेचर में, कागज में, और उसको ऑनलाइन डाल दीजिए मेरी वेबसाइट में। 6000 संस्था नहीं डाले, इसका मतलब क्या हुआ, 2-4 महीने में अगर मैं टिक गया होता, 6000 संस्था बंद ही समझो, आप एक बंद कर सकते हो, 6000 संस्था बंद का मतलब बंद। अभी भी देश को लूट रहे हैं, कैसे, कर देता जी मैं, कर देता,
मैं आपको कह रहा हूं कर देता, अब माने नहीं, कैसे करेंगे? यही आपका सोच है, यही आपके तरीके हैं। अगर यही तरीके ही है, हमें पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। देखो दी गवर्नेंस, आप एक संगठन संस्था चलाते हैं, यहाँ आप रेगुलेशन में देश को चलाते हैं, तो कैसे करेंगे? व्हाट इज ई गवर्नेंस? दैट यू हैव टू स्टार्ट विथ ऑफिस ऑटोमेशन एंड एंड अप विथ ए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन फैकल्टी डाटाबेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। किया मैंने, वापस आने के बाद सब उल्टा कर दिए इन्होंने। क्यों? आपकी दास बाबू हमारा प्रो वाइस चांसलर गए जो ईस्टर्न रीजनल कमेटी के हैं, मेरे जाके वहां मिले। मैंने कहा सर कैसे चल रहा है भुवनेश्वर? बोले भुवनेश्वर कोर्ट में लड़ रहा है। मैंने कहा सो नाइस, गॉड ब्लेस यू। हमने एक एकड़ जमीन वहां दिलाया था, चीफ मिनिस्टर से पर्सनली रिक्वेस्ट करके, माई सेल्फ पर्सनली मीट करके चीफ मिनिस्टर को दूरदर्शन के सामने एक एकड़ जमीन दिया। उसको भी आप संभाल नहीं पा रहे हो, कोर्ट में केस कर रहे हो। बताइए दोस्त, करने के लिए करना पड़ता है। करिकुलम चेंजेस, थोड़ी सी आगे चल पड़ूं, दिमाग खराब मत करो, इसमें मैं यही कह रहा हूं। ये सब जो लर्निंग थ्योरी प्योरी नाना लीला करके, ये सब करके उसमें क्वेश्चन पेपर देता है, ये भी सीरियसली लिखता है, निकलता आलू, कुछ नहीं निकलता। यही मैं कहने के लिए कोशिश कर रहा हूं, यही मैंने कहा मुझे जो काम में लगेगा, समझ में लगेगा, उतना समझाओ ना। इतना सब काहे मेरे ऊपर थोपते हो भाई? ना जी, प्रोफेसर पासी साहब रहे नहीं, मेरी वाइस चेयरमैन रहे, मेरी कमेटी के चेयरमैन भी रहे, प्रोफेसर राजपूत भी रहे, इंटर्नशिप कमेटी के चेयरमैन रहे। मैंने उनको कहा 6 महीना का इंटर्नशिप होगा, सारे स्टेट गवर्नमेंट से आप नेगोशिएट करेंगे कि हर शिक्षक को स्टाइपेंड मिलेगा, और मैं कर देता, 100% कर देता जी। समझना जरूरी होता है, करने के लिए करना पड़ता है, करने के लिए कायदा होता है, और उससे पहले अगर आप समझे हो तो कर पाते हो ना जी। बिगाड़ दिए, बोले काहे ससुराल इंटर्नशिप आएगा, 6-6 महीना स्कूल में रहना पड़ेगा, भगाओ इसको। प्रोफेसर राजपूत अभी मिले थे 2-4 दिन पहले, ये सीबी शर्मा है ना, आई वॉज चेयरमैन उसके बेटे की शादी में अशोका होटल में, तो मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले काहे इंटर्नशिप जो झगड़े में रहते हो, अब मैंने अपना काम कर लिया, तुमने अपना काम लिया, अब आगे देखो, काहे दिमाग खराब करते हो, एनसीटी को गया बाढ़ में उसको पीछे फेंको, अपना आगे चलो। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, मैं आगे चल रहा हूँ। आगे चल के मुझे थोड़ी पता था भुवनेश्वर आरआई में पहुंचूंगा, बताइए। मैंने बोला दिमाग खराब मत करो, जो 2-4 चंद बातें हैं मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ। पढ़ाना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके क्या पाठ्य सामग्री है, मीडिया कैसे काम में लगता है, इन चीज़ों को मुझे बताओ, मैं बेहतरीन ढंग से करूं। क्यों? आपकी थ्योरी मेरा उतना काम में नहीं लगेगा जितना करते हुए मेरा रिफ्लेक्शन मेरा काम में लगेगा। गांठ बांध लो इसको। आई रिपीट, आपकी थ्योरी पढ़ के मैं जो काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा जितना, उससे ज्यादा मैं करूंगा अगर मैं समझ गया और उसको मैं करते हुए अपनी चिंतन से अपनी सोच से एंड गौर करते हुए मैं उसको अगर आगे कर पाऊं वही बेहतर है। आपका थ्योरी गया भाड़ में, इससे ज्यादा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए, मैं आपके सामने क्या बड़ी बड़ी बातें करूं? मैंने कहा आप करिकुलम बनाते हो, थोड़ा सा मैं पूछ लूं आपसे कि कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज ब्रॉट आउट, आपने देखा है, आप ही शिक्षक शिक्षा में पूरा लगता है, शिक्षक शिक्षा क्यों पीछे रह जाता है? द टीचर एजुकेशन हैज टू फॉलो द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इट हैज टू फॉलो द आउटकम बेस्ड लर्निंग, दीज आर रेगुलेशंस बाय द वे, इट हैज ऑल्सो टू फॉलो जो आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। आप ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स यूजीसी का डॉक्यूमेंट देखिए 2018, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स
कि साहब आप बता देंगे मैं पढ़ने करने के बाद मेरे पास क्या पैसा बन जाएगा कि मैं क्या कर पाऊंगा, इतना तो बता दो मेरे को। वो कहता हमारा काम है शिक्षा देना, बता नहीं पाएंगे आप क्या करोगे लाइफ में, क्यों नहीं बताएंगे। अमेरिका में कोई भी चीज प्रोफेसर फॉरगेट अबाउट करिकुलम, द डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री, प्रोफेसर हर दिन जो बात क्लासरूम में कहता है या कहती है अगर उसको प्रोफेसर जस्टिफाई नहीं कर पाया मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं यूं क्यों करने के लिए आपको कह रहा हूं, दैट द स्टूडेंट हैज ऑल द राइट टू सू द प्रोफेसर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, गारंटीड। गारंटीड का मतलब गारंटीड। हमारा पूरा 2 साल 5 साल आप पढ़ाएंगे फिर भी नहीं कह पाएंगे कि साहब ये क्या करेगा, इतना तो हिम्मत होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं क्या आपको बताऊं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मैंने कॉम्पिटेंसी आपके सामने रख दिया। अभी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रीहॉल्ड बेस्ड ऑन दिस कॉम्पिटेंसी, क्योंकि 4.5-5 करोड़ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जब निकलते हैं डिग्री लेके उनको कुछ नहीं मिलता, नौकरी नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयबल, आपके पर्दे के सामने हैं। मैं आर्गू कर रहा हूँ कि साहब आप डिसिप्लिन पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन थियोरी पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन कॉम्पिटेंसी नहीं सिखाते, क्योंकि आपने डिसिप्लिन कॉम्पिटेंसी तैयार नहीं किया है। मैं फिर भी आर्गू कर रहा हूं अगर डिसिप्लिन कॉम्पिटेंसी को आप किसी ऑक्यूपेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ जोड़ देंगे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन हम कर पाएंगे क्या, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सोशल एंड लाइफ स्किल्स जिसको आप कहते हो हैप्पीनेस स्किल्स, जिसको मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जाके देखो जी अब सारे खुश हैं, मैंने कहा कैसे, हैप्पीनेस करिकुलम सब जगह फैलना चाहिए, सब विदेश से भी आगे पढ़ गए। मैंने बोला इसी देश में, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, इसी देश में एक हैप्पीनेस मिनिस्ट्री खुला जी, आपको पता होगा, इसी देश में एक स्टेट में हैप्पीनेस मिनिस्ट्री खोला, एक हैप्पीनेस मिनिस्टर भी बने, ये एक अलग बात है, द हैप्पीनेस मिनिस्टर वॉज नेवर हैप्पी। बताइए बताइए, कहने का मतलब है हैप्पीनेस कह देने से नहीं होता, आपको करना पड़ता है बारीकी से हर दिन हर वक्त, तब जाके हैप्पीनेस। आज की तारीख में बच्चा पूछ रहा है, मेरी बच्चा 4 साल वाला दिल्ली विश्वविद्यालय का अंडर ग्रेजुएट करिकुलम किया, पहला और आखिरी बैच जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय खत्म कर दिया, ये लेफ्ट और राइट दोनों के चक्कर में पढ़ के दिल्ली विश्वविद्यालय खत्म कर दिया, खास करके लेफ्ट के चक्कर में पढ़ के जिसमें राइट फंस गया जी, बंद कर दिया। क्या कहा था, हम 1 साल बढ़ा रहे हैं, 2 स्किल आपके डेवलप करेंगे, आपकी रोजी रोटी कमाना प्रमोशन करना स्किल तो आपको मिल रहा है, डिग्री दे रहा है, हम आपको खुश रहने के लिए लाइफ में, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को खुश रहने के लिए जीवन जीने का कॉम्पिटेंसी सिखाएंगे, आप खुशी खुशी कैसे जीवन जी सकते हो। आज की तारीख में मुश्किल वो है, रोजगार मिलने से ज़्यादा खुश रहना मुसीबत हो गया है। दूसरा, अंडर ग्रेजुएट में रिसर्च स्किल हम आपको सिखाएंगे, ये 2 स्किल सीखना था, उसमें वेबसाइट में लिखा था यू हैव टू लर्न सोशल एंड लाइफ स्किल्स बाय लिविंग थ्रू इट। प्रोफेसर आए, सोशल लाइफ स्किल के ऊपर बहुत बेहतरीन सा भाषण देके चले गए, बच्चे ने कहा मास्टर जी मेरे को जो फुल ब्राइट में कहा था, बोला अपनी रास्ता देख, हम अपनी रास्ता देख रहे हैं, 75% साइन कर देना काम खत्म, यार काहे झगड़े में पड़ रहे हो, तो अपना राग में देख, प्रोफेसर भी खुश बच्चे भी खुश, 4 साल प्रोग्राम बंद हो गया। डिसिप्लिन स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सोशल एंड लाइफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी स्किल्स, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग एंड लर्निंग टू लर्न, जो आपकी 2019 का मुद्दा है, उन्होंने उसको मुद्दा बनाया,
अगर लर्निंग टू लर्न नहीं होगा बर्बाद हो जाएगा। आप रैंकिंग छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, आज की तारीख में पूरी पीसा में सारा स्कूल की कंपटीशन में इंटरनेशनली इंडिया कहीं खड़े नहीं होता। चाइनीज स्कूल्स, स्कूल की बात कर रहा हूँ, पीसा की बात कर रहा हूँ, चाइनीज स्कूल्स आर कॉम्पिटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया डजंट स्टैंड एनीवेयर। और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो आप है ही नहीं। आई नो चाइना जिंग हुआ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेकिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ बेजिंग, मैं बेजिंग यूनिवर्सिटी जाता हूँ विजिटिंग प्रोफेसर, कैसे आ जाते हैं रैंकिंग पर, 20 में भी आ जाते हैं, 25 में भी आ जाते हैं, सो तो दूर की बात है। सिंगवा इज इक्विवेलेंट टू योर IIT एंड MIT फॉर इंस्टेंस, कैसे आ जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सो दोस्तों, मैंने चार चीज कंपलसरी कर दिया, मेरे हाथ में जितना था आगे कर नहीं पाया। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हर टीचर को टेक्नोलॉजी सीखना जरूरी है, हम टेक्नोलॉजी टीचर नहीं दे सकते स्कूल में। नंबर टू, हर एक को योग शिक्षा सीखना जरूरी है, मास्टर भी योग करेगा, वो भी योग करेगा। अब जब हम योग शिक्षा, NCERT वॉज ट्राइंग टू मेक इट कंपल्सरी, NCERT का भी बनी है, लेकिन इसको कंपल्सरी नहीं बना पाए। NCERT में करिकुलम बना, सेम गुरुजी दैट साइड, प्रधानमंत्री का गुरुजी सेम गुरुजी दिस साइड, मैंने बोला दिस साइड मोर, क्योंकि मेरा 14 लाख टीचर हैं और इसको मेरे जून 21 को 2015 पहली बार विनमोचन करना है, कर दिया जी मैंने। योग शिक्षा दारुल के, ये जो दारुल इसी वक्त चुप है बाबरी मस्जिद के केस में, सुप्रीम कोर्ट के केस में, दारुल मेरे पास आया जी, दारुल ने कहा आपकी ये सूर्य नमस्कार नहीं चले, करने के लिए समझना पड़ता है दोस्त, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, बोले ये आपका सूर्य नमस्कार नहीं चलेगा, हमने बोला चंद्रमा नमस्कार चलेगा, चलेगा, मैंने बोला सूर्य नमस्कार को हटाओ, चंद्रमा को रखो, सूर्य करो, चंद्रमा करो, योगा करो, बस काम खत्म। जिसमें प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने कहा मैं उठ के चला जाऊंगा, मैंने हाथ पकड़ के बैठाया, जिस दिन योगा पास होना था देश में कंपलसरी होगा, बैठाया, मैंने कहा सर आप इतनी सुंदर, प्रोफेसर कृष्ण कुमार चक चक सुंदर लगते तो हैं, मैंने कहा सर आप इतनी सुंदर लग रहे हैं, योगा करेंगे क्या पता क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, मैंने कहा और बेहतर और सुंदर आप लगेंगे, और सुंदर लगेंगे, बताइए। बोले मानोगे नहीं, मैंने कहा नहीं, सुंदरता पर मानना ना मानना क्या है, सुंदर लगना है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ना मानने की गुंजाइश नहीं है, बताइए। प्रोफेसर कृष्ण कुमार भी फंस गए जी, साइन किए, अगला दिन योगा डिक्लेयर हो गया। मैं आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री योगा कर रहे हैं, मैं इसको आगे चलूं जी, मैं क्या बात करूं, ये जी योगा आपका सामने है, और ये देखिए जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं हमारा योगा को, ये NCERT का वेबसाइट है, अभी भी स्टैंड करता है। योग शिक्षा कंपलसरी है फिर भी नहीं मानते। मैंने कहा जी थ्योरी प्रैक्टिकम इंटर्नशिप, मैं इसे क्या बात करूं आपसे, मैं उसमें चल पड़ूं, थ्योरी प्रैक्टिकम इंटर्नशिप, मैंने कहा शिक्षक शिक्षा एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसके लिए उसको तीन बटा कर दीजिए, और तीन बटा में हर कोर्स को हर कार्य को आप बताइए थ्योरी कितना रहेगा, प्रैक्टिकम आप क्या कराओगे, उसमें इंटर्नशिप क्या रहेगा, सीधी सी बात है। आपका ऐसा हो रहा है, चार साल वाला इंटीग्रेट प्रोग्राम में हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है, मुझे पता है नहीं हो रहा है, या आप होने नहीं देते, प्रोफेसर तो करना चाहते हैं आप होने नहीं देते, उतना आप पढ़ाओगे जितना आप कर पाओगे, सीधी सी बात है। जो चीज हम नहीं करेंगे उसको काहे पढ़ा रहे हो, काहे, थ्योरी ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिकम एंड ट्रांसलेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्क कॉल्ड इंटर्नशिप, सिंपल। सारे प्रोफेशन करते हैं, शिक्षक शिक्षा में क्यों नहीं, कि साहब साल बढ़ गया जी, बीएड 2 साल हो गया, मेरी पिछली बार आया था मेरे यहां बारिश हो गया, नहीं तो मेरे जलूस निकाले थे, मेरे कलर पकड़ लिए थे आपके स्टूडेंट्स, यही जी सामने बारिश हो गया मैं भाग गया, मैं भी कौन सा छोड़ देता, अब बताइए, मैं नहीं छोड़ने वाला,
यहीं पकड़ लिए थे जी, मेरे को घर लिए, बारिश हो गया, ओ भाग्य में भाग्या जी। अब बताइए, मेरे को पकड़ रहे थे जी, पूरा घर के मेरे सामने आ गए थे, पकड़ने के लिए पकड़ लेते, मैं क्या करता, पतला सा हूं, मेरे को उठा लेते क्या जी। ये 2 साल का कर दिया आपने। मैंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये ससुरा बीएड रहेगा तब ना, बीएड ही हट जाएगा तो क्या करोगे। मैं बीएड हटा देता जी, आप क्या देख रहे हो, हटा देता, लेकिन रहता जरूर उनके लिए, जो प्राइमरी टीचर अपना वर्टिकल मोबिलिटी करता है उसके लिए रहता, जो 3 साल का बीएड एमएड है, जो टीचर एजुकेटर बनाएगा उसके लिए रहता, लेकिन जो शिक्षक बनेगा वो प्लस टू में तैयार करें कि हमें शिक्षक आगे बनना है, वो 5 साल को आपको 4 साल करा दिया, इसे और क्या चाहिए। आपको तो 5 साल चाहिए, लीगली तो 5 साल चाहिए ही चाहिए, बीएड तो 2 साल का है, तो आप क्या करेंगे। बीएड हट जाता, हटाओ इसको, लेकिन हटाने के लिए मैंने 5 साल रखा था कि 5 साल में सोचिए कि सारे संस्था इंटीग्रेटेड में जा पाएंगे क्या, कॉम्पोजिट इंस्टीट्यूशन हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। देयरफॉर यू हैव टू हैव अ डिफरेंशियल पॉलिसी दैट ग्रेजुअली दे विल मूव, इट इज रिटन देयर इन द रेगुलेशन दैट दे विल मूव ग्रेजुअली, ग्रेजुअली हैज नॉट बीन डिफाइंड। बताओ, और ये जो RIE मॉडल है, मैंने कहा इसको तो मैं लूंगा ही नहीं, लूंगा ही नहीं, और दिल्ली विश्वविद्यालय का 4 साल उसको भी नहीं लूंगा। क्यों, हमें उतना RIE मॉडल कह रहा हूं मैं, RIE का नहीं कह रहा हूं, अब समझ गए मेरी बात, बड़ी ध्यान से सुनिएगा नहीं तो फंस जाओगे। देयरफॉर प्रोफेसर दोरास्वामी कमेटी, प्रोफेसर पांडा वॉज अ मेंबर दैट, आई सेड your discipline knowledge, domain knowledge has to be as strong as pedagogy. Your pedagogy is stronger, discipline is weaker. Agar aap kahoge mera BSc, main to St. Stephen's ke sath compare karunga. Bataiye, phas jaoge, hum jaise agar honge to phas jaoge. और दिल्ली विश्वविद्यालय का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल, मैंने उसको नेशनल प्रोग्राम बनाया, पूनम भद्रा का प्रोग्राम है, मैंने उसको नेशनल बनाया, मैंने बोला आपका प्रोग्राम नहीं लूंगा, आपका प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद दिल्ली स्कूल में उनको नौकरी नहीं मिलता जी। मनीष सिसोदिया जी से एजुकेशन मिनिस्टर में कितनी बार लड़ा, ना जी उनको हम नहीं लेंगे। प्रॉब्लम इज सब्जेक्ट नॉलेज, हम आपको नहीं करेंगे। मेरा खत्म होने वाला है दोस्त, थ्योरी प्रैक्टिकम इंटर्नशिप। देयरफॉर आजकल एमएड का दूसरी तरीके से इन्होंने कर दिया, एमएड प्राइमरी, एमएड एलिमेंट्री, ऐसे ऐसे कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नया रेगुलेशन है तो मैंने राजपूत साहब से कहा था, उन्होंने बोला कुछ भी कर दिया, कुछ तो कर रहे हैं, करना जरूरी है, चलते रहना चाहिए, कुछ तो कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वी सेड दैट वी हैव डर्थ ऑफ एजुकेटर्स एट द प्राइमरी एट एलिमेंट्री लेवल, मोस्ट ऑफ द टीचर एजुकेटर्स बिलोंग टू सेकेंडरी एजुकेशन, तो कुछ तो स्पेशलाइजेशन करो, कुछ चल पड़ो। दोस्तों मैं थोड़ी सी चीज़ पढ़ूंगा, अभी मैं लिखा हूँ, कहीं छपने वाला है, ये सरकार भी देखेगा तो मेरे ऊपर डंडा पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। मेरा ख़त्म है जी। मैंने एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया, मैंने कहा ये जो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है आपके सामने है, ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में हो क्या रहा है, ये जो ओरिएंटेशन रिफ्रेशन है इसको खत्म करो यार, इसको हटाओ, इसमें रखा क्या है। नाम तो बदल गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स, लेकिन बातें कुछ ज्यादा नहीं बदली। देयरफॉर इन टीचर एजुकेशन वी सेड ये 21 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते आना जरूरी है, लेट अस डेवलप ए ब्लेंडेड मॉडल, हर दिन क्लासरूम आना जरूरी है,
हर दिन क्लासरूम में पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं. यू कैन स्टिल थिंक ओवर इट. दिस इज माई फाइनल पॉइंट फ्रेंड्स. क्वालिटी एश्योरेंस आपके सामने है जो हमने करने के लिए कोशिश किया. कुछ हमारे दोस्त वहाँ करने नहीं दिए, कुछ आपके दोस्त यहाँ करने नहीं दिए, और जितना हो सका उतना हमने कर दिया. और जब तक नहीं करेंगे, ना आपका पीसा में कोई आएगा, ना यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होगा, ना किसी को नौकरी मिलेगा, ना उसको हैप्पीनेस मिलेगा. सीधी सी बात है, बात सीधा रखो जी. एक टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट आता है और वो उसका प्रोडक्ट बड़ा खूब बेचता है, खूब बिकता है. एंड द एडवर्टाइजर इज नो बडी अदर देन द हार्ट थ्रोप ऑफ हॉलीवुड, बॉलीवुड, आपकी बॉलीवुड. कहता है कीप इट सिंपल स्टूपिड. अब दोबारा जाके देखना, कीप इट सिंपल स्टूपिड. खूब बिकता है जी, लोग मरते हैं उसके पीछे. हमें मरना आता है, लेकिन थोड़ा सा शिक्षक शिक्षा में मारने के लिए कोशिश करो ना, कुछ तो करो यार. दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कमज़ोर हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पर कमज़ोर हैं. मैं खूब चाइना जाता हूँ, चाइना से हमका हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ है, लेकिन चाइना काम करता है, हम काम करने के बारे में भाषण देते हैं, काम नहीं करते. करते तो कम करते. अब टाइम आया, नया शिक्षा नीति उसी की बात करता है कि मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ वहीं मेरे को खड़े होते हुए कुछ दान करो यार. मेरे को ये क्या कहते हैं, हवा का क्या, ये चांद मत दिखाओ, ईद की चांद क्या कहते हैं, मुझे मत दिखाओ. मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे वहीं मेरे हाथ पकड़ते हुए, मेरे साथ चलते हुए, मेरे साथ बात करते हुए मुझे कुछ शिक्षा दो. इतनी सी सरल भाषा और मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकता. सो देयरफॉर फ्रेंड्स, आई विल रीड व्हाट आई एम राइटिंग समवेयर एल्स. आपके लिए पढ़ देता हूँ, समझना है तो समझो. मैंने दोनों को सामने लेके लिखा हूँ. दिन सुन रहे हो? अब अंग्रेजी है जी, मैं देसी भाषा में अंग्रेजी बोलूँगा. मैं जो बाहर जाता हूँ ये अंग्रेज नहीं बोलता. वहाँ पहुँचते हुए उनके साथ, फिर उनके साथ कैसे समझोगे जो उनका नहीं बोलोगे. द इंडियन सिस्टम हैज़ बीन सैंडविच्ड बिटवीन ऑन द वन हैंड द क्लासिकल क्लोज्ड थिंकिंग ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विदाउट कॉन्टेम्पररी डिवेलपमेंट्स एंड इनोवेशंस एंड ऑन द अदर हैंड the so-called liberal and progressive thinking on education without much heed to the history and tradition, culture, and therefore context within which it actually operates in our country. It has often been seen that the models and frameworks based on Western models have not yielded results, except for greater romanticized intellectual exercise, including those of constructivist articulations. Those who plead for the Finnish and South Korean systems of quality reforms, pre-service training, and under the American system of entry of subject specialist, ये जो बात है, American system of entry of subject specialist, आपकी नया शिक्षा नीति का मुद्दा है. नया शिक्षा नीति का आप पढ़े हैं, 50% will come from different disciplines without qualification in teacher education. पढ़ो जी, उसको पढ़ो जी. मैं तो पूरा रोक लिया, कुछ तो रोक लिया. आपके 50% घुस आएंगे इसी बहाने में. उसी को कह रहा हूँ, ज़्यादा मत दिखाओ. ये बैकडोर एंट्री का तरीका है, मैं उसको दूसरी भाषा में कह रहा हूँ. Those who plead for the Finnish and South Korean system of quality reforms, rigorous pre-service training, and or those who plead for the American system of entry of subject specialist without rigorous training in a system of teacher education, that is alternative routes to teaching profession, are basically under utopia, devoid of ground reality, and are immune to the real context and problems that the country faces. It in fact needs practical understanding and in-text and therefore practical implementation on ground.
some of the finer teacher preparation and schooling systems in the country based on the judicious mixed up ancient wisdom and contemporary globalization are pointers to this direction. Thank you very much. Respected Principal, Professor Agrawalji, our invited guest, Professor Santosh Kumar Pandaji, the Chief Speaker of the day, National Education Day, Dr. Anup Kumarji, Dean of Instruction, Madam Ritanjali Das, Program Coordinator, Professor S.K. Dasji, Head Department of Extension Education, and all the respected colleagues and student friends. So I have nothing to say, but I will just say only one or two simple words. That is, jo kuch karna hai, karne se pehle, samajna is most important. That is the total story of the presentation. And if I have to say, the presentation, what has been done here, started with a question mark related to three language formula and secularism, what is happening in the present context, and different commissions during the time of our first education minister, established the University Education Commission and Secondary Education Commission, and afterwards what has happened specifically in the 1968 policy and 86 policy. More or so, we can say that in the present context, happiness, there is a happiness in learning. I have seen one book which has been published by South Korea, even UNESCO, there is one document, Happiness in Learning. So everybody wants to live happily in the society, and to achieve that, so we have to be very serious, and we must understand how to maintain happiness before understanding anything else. Then there was a discussion also that during his tenure as a chairperson of NCT, what has happened in NCT? NCT teacher education versus school education, that we have borrowed the word constructivism without having any connectionism. And we don't want to say theoretically constructivism as a theory of learning without understanding it, how to make it more practical and functional in the present context. Also, by the by, there was a discussion that self-regulated learning, that if you have to remember, that we have to understand that if I am not willing to learn, nobody can force me to learn. That was the intention, whether teaching is a profession or not, but in the NCT document, forcefully it has been defined, teaching is a profession. And NCT and 2014 regulations, there are 17 regulations which has been approved during that tenure of Professor Pandaji, he was the chairperson. So even he uttered one very important word, disciplinary blindedness. I don't want to go further and further, but he was giving emphasis on cross-disciplinary approach and dialogue in between the system of education. And four important things he has suggested, that is transparency in the system, engagement in the system, and e-governance in the system, and constructivism in actual sense, not in theoretical sense. And he also suggested that there should be a structural change in the system of education as a whole. During his tenure, also Pandit Madan Mohan Malviya Center for Teachers and Teaching, that was emerged, and now in 11 or 15 central universities, there are persons, and 10 crores rupees have been given, and 21 posts have been released for each organization. And fortunate enough, I can say that he was the selection committee of the first chairpersons of that is Pandit Madhuman Malaya Center for Teachers and Teaching, which is located at Varanasi. Our ex-joint director was promoted as a director of that particular center. And he was also one of the another initiator, that is another center of Pandit Madan Mohan Malviya was supposed to be taken in Kakinada of Andhra Pradesh, but it could not have been materialized due to certain change. But he also uttered that curriculum change. So he also, that means what type of curriculum we should possess, whether theoretical or we have to follow the blindly all the theories without understanding it, and also said about that we can say that social
and employable and life skills in education, which is the day of presentation in the present context. And he was saying four important things he made it compulsory, that is ICT. Every teacher must have to know ICT as a whole. Yoga, when he was the chairperson of NCERT, there are four volumes which has been published in the yoga education. And if you have to read, it is really all theoretical things and practical things which can be taken care of. In that book, it has been reflected. And also, inclusive education, it should be one of the part. That way, and vocational education. They made it compulsory. That should be at par with every teacher education as well as school education program. And ultimately, he come to the conclusion that how to make a continuous professional development program for the teachers, and so that the theory, practicum, and internship, the balance must be maintained. If we can maintain the balance, then quality education may emerge in the society. So these are all the few hints he has suggested. But anyhow, I must congratulate you, sir. And I am fortunate enough to see him here physically, because he was 2 years senior to me. And I know that how much that means educational involvement he is having. Generally, I can say one word, 24 hours he was engaged in the teaching and learning. Learning was more than 10 to 12 hours. Whole night he was reading in the library and any other place. That was his beauty. That is why he could come up to a particular stage, having all lot of, I can say that, occupation he has occupied, a lot of positions he has occupied. Anyhow, sir, wish you all the best, and I must congratulate you for your nice presentation. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now, I would like to invite Professor S.K. Das, Head, Department of Extension Education, to accord his vote of thanks. Sir, please. Esteemed Principal of our Institute, Professor P.C. Agrawal. Dean of Instruction, Professor Anup Kumar. Dean Research, Professor V.N. Panda. Coordinator of such program, Professor Itanjali Das. My dear friends, my dear colleagues, and my dear students, I feel privileged to give vote of thanks on this occasion, as because today all of us know that today is, birthday of our first education minister, Maulana Abul Kalam Azad, and the Education Day, and the eminent scholar, the eminent speaker, the chief guest, Professor Santosh Kumar Panda, is with us. So first of all, I would like to thank our eminent speaker, Professor Santosh Kumar Panda, for his valuable discussion on many aspects. As Professor B.N. Panda mentioned very categorically, I don't want to repeat all those things, but one thing, today I was taking the class. On the class itself, students, they volunteered themselves that we have to enjoy science, we have to enjoy the topic. Unless we enjoy the topic, we cannot learn. And secondly, unless you do the work, learning by doing, so it is incomplete. So which emphatically our chief speaker, Professor Santosh Kumar Panda, mentioned. So our students, really, they are very knowledgeable, they are very active, and they understood this particular thing, and they will take it for growth of their profession, for the growth of their career. So that's why on behalf of the institute, on behalf of the Department of Extension Education, I would like to thank
the chief speaker, Professor Santosh Kumar Panda, who came from Delhi. He has a lot of interest to interact with youngsters, to interact with the young mind, to interact with the real issues of education, so for which he is with us. He spent his valuable time, and he had a kind of attitude that he will transform the system of education in the country. That's why we are really thankful you too, sir, so for your valuable talk, for your valuable suggestion. We in Regional Institute of Education, Bhubaneswar, certainly take it, and we'll also join in your mission. Then only, certainly, the education system of our country will be changed. Then I would like to thank our principal, Professor P.C. Agrawal, who has deep interest to arrange such seminars, to arrange such talk. Not only this seminar, by the eminent speakers, by the eminent professors, but also by the students. We have already, you must be knowing about it, we have two programs, PSA programs. One is expression series and lecture by the students, by you all. And today, first of all, five speakers, they spoke about National Education Day, spoke about Maulana Abul Kalam Azad. And I would like to thank all those student speakers who really prepared themselves and spoke something on this occasion. And the second is about the extension series lecture, for which Professor Itanjali Das ma'am is the coordinator, and she coordinated this particular kind of program. So it is because of the guidance, motivation of our principal, Professor P.C. Agrawal. That's why, on behalf of the institute, on behalf of the Department of Extension Education, I would like to thank Professor P.C. Agrawal for his guidance, for his support, for this valuable occasion, for a valuable program. Then I would like to thank our Dean of Instruction, Professor Anup Kumar sir. He is always with us, and he always motivates us by giving his suggestions how to improve the students' activities and how the curriculum, how the syllabus, how the course structure is really improved in the institute, and he is always present in such occasion and motivate us. So that's why, on behalf of the Department of Extension Education, on behalf of the students, I would like to thank Professor Anup Kumar sir, sir. Then I would like to thank Professor B.N. Panda sir, Dean of Research of our institute. He is really interested to do a lot of research on teacher education, and he has taken a lot of activities in that, and he has given his mind, and is very open-minded for accepting lot of real ideas in education. And today he has mentioned what ideas he borrowed from Professor Santosh Kumar Panda, from the eminent speaker, and discuss with you all, and whenever opportunity comes, he will interact with you all. So that's why, on behalf of Department of Extension Education, I would like to thank Professor B.N. Panda sir. Then I would like to thank our coordinator, Professor Itanjali Das ma'am. Always he is ready. Whenever any program of this extension series may be, or expression series may be, he is always ready. And her idea is, unless you prepare the student generations, the students are the torch bearers for the country in the future. Unless you people will be prepared for the future, so whatever it is being planned, so never been implemented. That's why Professor Itanjali Das ma'am is ready for that. Always he is taking the students for this kind of program and preparing the students for the future. So on behalf of the Extension Education, again, I would like to thank Professor Itanjali Das ma'am for your support. Then again, I would like to thank our esteemed colleagues. The colleagues are sitting in front of us. They have a lot of patience. Even if you see, it is going to be 6 o'clock, they are sitting here and they are listening. Not only just listening, but critically analyzing
critically understanding, as our speaker said, Prof.Santosh Panda said, that we have to understand. Unless we understood, we cannot implement, we cannot materialize, we cannot do, we cannot make, we cannot break. That's why our faculty members, honestly, sincerely, they are understanding and planning to implement through our students. So thank you, my dear colleagues. Then I would like to thank my dear students who have really enjoyed from their clapping, it understood well. So I would like to thank you all for your valuable patience, so for your encouragement, for your sincere presence in this August gathering. And I would like to thank the cameraman. I would like to thank the persons behind the scene. They have a lot of role in this. So I'll thank everybody in this hall. So that's why this particular occasion would be a memorable occasion for all of us. Thank you so much.